Hello everyone, welcome you to this session on revision of Code of Ethics, Professional Ethics, 16 marks chapter of your CA Final Advanced Auditing and Professional Ethics. I am CA Sarthak Jain, Faculty of Financial Reporting and Advanced Auditing and Professional Ethics at CA Final level at Fast Education Institute Indore. कई सारे रिवीजन वीडियो लेक्चर्स आप लोग एक साथ अभी हमने शेयर किए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंसोलिडेशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वेरी रिसेंटली वैल्यूएशन का एंड वी हैव आल्सो शेयर्ड रिवीजन वीडियो लेक्चर्स इन ऑडिट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसके दो लेक्चर्स आपने देखे होंगे एक सुपर क्विक रिवीजन वन डे बिफोर द एग्जाम्स एंड वन इज अ डिटेल कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोस्तों ये जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स का रिवीजन लेक्चर है सबसे पहली बात कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज एग्जाम में 16 मार्क फिक्स है लेकिन नॉर्मली वी आर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो सर वी आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद कोड ऑफ एथिक्स व्हाई टू गो फॉर अ रिवीजन लेक्चर फॉर यू नो अ टॉपिक लाइक दिस द आंसर इज वेरी सिंपल व्हाट मैटर्स इज मार्क्स and not where you score the marks. हमारा objective है कि अगर ये 16 mark का तय है और ये normally हम अगर इसमें comfortable हैं तो we should target to score 16 on 16 here. 16 में से 16 जी हाँ इस revision lecture को देखने के बाद आप वैसे आप नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे. You will not be the earlier you. In this revision lecture, we will aim to A, learn all the clauses of Code of Ethics along with all the chapters of Council General Guidelines by heart with the clause number and chapter numbers. Second, we will be able to revise each and every point getting into the details, nitty-gritties very quickly, which is covered in your ICI module or which has been asked in the last 20 attempts. And third, every amendment or every important topic would be emphasized by me in the lecture. तो इस लेक्चर के माध्यम से आप इस उद्देश्य के साथ इस लेक्चर को देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप कोड ऑफ एथिक्स के 16 मार्क के चार मार्क के चार क्वेश्चंस को 100% सही करने की कोशिश कर सकते हैं. Coming on to the revision directly, CA Final Advanced Auditing Professional Ethics. Code of Ethics, as you all know, is basically not an act but a code, a manual. Institute ne 2009 mein ek manual publish kiya tha jisme unhone CA act, CA regulations, apne notifications aur is tarah ke sare publications ko compile karke ek manual banaya. You keh lijiye ki ek chartered accountant ke liye banaya gaya ek granth, Gita, Bible, Quran, jisko ek CA ko follow karna hai. Yahi act, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस का कंपाइलेशन कोड ऑफ एथिक्स हमारे कोर्स में है और क्योंकि ये हमारी बाइबल है दैट इज मींस इट कि दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम्स. सबसे पहली चीज कोड ऑफ एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहें, इट इज वन एंड द सेम. प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स में क्या कोई फर्क होगा सर? क्या ऐसा होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि दिस पर्टिकुलर कोड इज ओनली मेंट फॉर द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद. कोड ऑफ एथिक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर को रेगुलेट करेगा या सारे बिहेवियर को? इसका मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली और पहली ने इंस्टीट्यूट को कंप्लेन कर दी कि ये कैसा सीए बनाया तुमने, क्या इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है? ये उसका पर्सनल मैटर है. क्या इंस्टीट्यूट इसमें दखलंदाजी दे सकता है? द आंसर इज यस. दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स इज एन एथिक्स ऑन द प्रोफेशनल. It is not an ethics on the professional behavior of a professional. सबसे पहली चीज समझ लीजिए आप शुरू करने से पहले कि code of ethics में institute आपका professional और other than professional दोनों code cover करता है. इसलिए जब हम misconduct पढ़ते हैं तो we study professional misconduct and other misconduct.
कोई भी ऐसी चीज विच कैन ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द इंस्टीट्यूट कैन टेक एक्शन, कैन टेक, वो चाहेगा तो लेगा, वो अलग बात है, पर उसके पास पावर है कि वो आपके अगेंस्ट में एक्शंस ले सकता है. तो प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम सेइंग कि एक सीए ने बैंक से लोन लिया घर बनाने के लिए और उस लोन को रीपे नहीं कर पाया, तो बताइए क्या इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट में कोड ऑफ एथिक्स में एक्शन ले सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज लोन लेके रीपे नहीं करना इंस्टीट्यूट की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है. वी डोंट वॉन्ट माल्यास इन द सीए प्रोफेशन. तो हम जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं ये सीए प्रोफेशनल को रेगुलेट करता है. एक और चीज ध्यान रखना, कोड ऑफ एथिक्स इज ऑन द प्रोफेशनल नॉट ऑन द फर्म. कभी भी कोड ऑफ एथिक्स में सीए फर्म को गिल्टी होल्ड नहीं किया जाता है, मेंबर को गिल्टी होल्ड किया जाता है. छोटी छोटी ऐसी चीजें रिविजन लेक्चर में मैं एम्फेसाइज करूंगा ताकि आप कभी भी एग्जाम में अनजाने में गलत शब्दों का प्रयोग ना कर ले. तो आइए दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं. कोड ऑफ एथिक्स किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है? पांच बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आप ऐसे 200 में पढ़ते हैं जिसके ऊपर पूरा कोड बेस्ड है. प्रीवियस टू प्रीवियस अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच कोड ऑफ एथिक्स इज बेस्ड, एंड व्हाट आर दीज फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस. ऐसे 200 का डिस्कशन है. कोड ऑफ एथिक्स जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कंपाइलेशन है तो इस कंपाइलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पार्ट ए इज द आईफैक कोड, पार्ट बी इज द आईसीआई कोड. दोस्तों हमारा आईसीआई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का फाउंडर मेंबर है, इसलिए इंटरनेशनल फेडरेशन ने बोला भैया आप हमारा कोड फॉलो करो. आईसीआई ने बोला भाई तुम्हारे कोड से ज्यादा डिटेल्ड हमारा कोड है, हम तो हमारा ही कोड फॉलो करेंगे, पर तुम बुरा ना मानो, इसलिए तुम्हारे कोड को भी हम हमारे कोड ऑफ एथिक्स में दे इंक्लूड कर लेंगे, वो भी हमारे कोड से पहले, लेकिन उसे मैंडेटरी नहीं रखेंगे, रेकमेंडेटरी रखेंगे. इसलिए आईफैक कोड के तीन चैप्टर्स को हमने पार्ट ए में इंक्लूड किया और ये रेकमेंडेटरी है. सीए फाइनल में इसे कोर्स में शामिल नहीं किया गया. 2016 से पहले इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स थे उसमें इसका इंट्रोडक्शन होता था, 2016 में जो रिवीजन हुआ ईसीआई के मॉड्यूल्स में ओल्ड कोर्स में, उससे इसको हटा दिया गया, यानी अभी आपके कोर्स में जरा भी नहीं. ये जो बेसिकली आईफैक का कोड है ये भी पांच प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है. बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि ऑडिटर के सामने से वो पांच तरह की थ्रेट्स को दूर कर सके. आपने इन थ्रेट्स के बारे में सुना होगा, हमारा पूरा का पूरा नया कंपनी ऑडिट इन पांच थ्रेट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें होती है आपकी फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्लाइंट एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स. इसके ऊपर आधारित ये आईफैक कोड है. हमें इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है, तो विल कम टू द आईसीआई कोड. आईसीआई कोड हैज फोर चैप्टर्स. चैप्टर फोर इज प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, फाइव इज सीए एक्ट एंड रेगुलेशन, सिक्स इज काउंसिल जनरल गाइडलाइन सीजीजी 2008 एंड सेवन इज रेकमेंडेटरी मेजर्स. चैप्टर फोर छोटा सा चैप्टर है, प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट. सिंपल इतनी सी बात कहता है कि इंस्टीट्यूट तीन तरह के पब्लिकेशंस लेकर आता है, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट्स एंड स्टैंडर्ड्स. तो इट बेसिकली कम्स विथ थ्री काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस. प्रोनाउंसमेंट्स आर पब्लिकेशंस. स्टेटमेंट शायद आपने ना सुना हो. आईपीसीसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऑडिट के पेपर में, पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट. ये तीनों शब्दों का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट मैंडेटरी है, गाइडेंस नोट रेकमेंडेटरी. जब इंडस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत वेरीड होती है या जब कोई नया प्रोविजन आता है तो इंस्टीट्यूट शुरुआती दौर में गाइडेंस नोट इश्यू करता है, ताकि रेकमेंडेटरी होने से मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी, एल्बो रूम होता है कि अगर कभी कहीं कुछ चेंज करना पड़े तो उसे हम कर सके, यानी वो पत्थर की लकीर नहीं है. लेकिन जब वो गाइडेंस नोट स्टैंडर्ड का या स्टेटमेंट का रूप ले लेता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसे चेंज करने का. यानी AS2 एक स्टैंडर्ड है जो कहता है FIFO या वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा,
तो अगर आपकी कंपनी फैशन इंडस्ट्री में और आप रियल में लीफो फॉलो करते हैं तो भी आप लीफो मेथड फॉलो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि AS2 इज अ स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी एंड ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन फॉर इट. लेट्स कीप दैट अपार्ट. तो स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट मैंडेटरी हैं और गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी. अब स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? नॉर्मली दोस्तों स्टैंडर्ड हम दो तरह के देखते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंस्पायर्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दो दे आर नॉट द सेम एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू कम आउट विद इंडेस व्हिच वर लाइक द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट हैज कम आउट विद एक्सपोजर ड्राफ्ट्स ऑफ अमेंडिंग अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विद द IFRS. AS, आई एम नॉट सीइंग इंडेस, AS भी अमेंड हो रहे हैं, जल्दी पास हो जाओ. सिमिलरली अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करेंगे, हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से मेल खाते, मैच करते. देर आर ओनली माइनर मॉडिफिकेशंस. यानी आज की तारीख में क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉडीज के मेंबर हैं, IFAC जिसकी बॉडी है, IAASB जो SAs इशू करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो IFRS IAS इशू करती है, ICAI दोनों का मेंबर है, इसलिए उसके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उनसे मैच करना चाहिए. वी आर आंसरेबल टू देम. पर कई बार ऐसा होता है कि भारत में कोई ऐसी चीज आती है जिसका रेलेवेंस सिर्फ इंडिया में होता है, जैसे कि कारो, जैसे कि Schedule 3. अब इन चीजों के ऊपर अगर ICAI चाहता है कि भैया आपको कारो का ऑडिट ऐसे ही करना होगा या Schedule 3 का यही मतलब होगा, तो फिर इंस्टीट्यूट उसके लिए स्टैंडर्ड की बजाय स्टेटमेंट इश्यू करेगा. इंस्टीट्यूट विल गिव स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट का डोमेस्टिक रेलेवेंस होता है. कारो के ऊपर देर यूज टू बी अ स्टेटमेंट अर्लियर, हाउएवर कारो 2003 पर स्टेटमेंट था हाउ टू ऑडिट कारो टू अंडर कारो 2003, लेकिन कारो 2015 रिवाइज होकर आया और फिर वो 2016 हो गया, क्योंकि वो अभी एज सच इवॉल्विंग स्टेज में, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर गाइडेंस नोट दिया ताकि ऑडिटर्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो. तो सर अगर कभी झगड़ा हुआ स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट में तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली स्टेटमेंट मैंडेटरी. कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में तो कौन जीतेगा? स्टैंडर्ड, बिकॉज दे आर इंटरनेशनली गवर्न्ड. कभी दो स्टैंडर्ड के बीच में झगड़ा हुआ तो कौन जीतेगा? वो स्टैंडर्ड जो बाद में आया है. जैसे AS 19 लीज और AS 16 बोरिंग कॉस्ट में कुछ क्लैश है तो आप प्रोविजन किसके फॉलो करोगे? 19 के, क्योंकि वो बाद में इश्यू हुआ है. यानी गोल्ड मेडल गोज टू स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट्स, स्टैंडर्ड. सिल्वर गोज टू स्टेटमेंट एंड ब्रॉन्ज गोज टू गाइडेंस नोट्स. दिस इज योर Chapter 4 वेरी सिंपली. Chapter 5 जो हमारा मेन कोड ऑफ एथिक्स का डिस्कशन, Chapter 5 में हम CA Act CA रेगुलेशंस के प्रोविजंस देखेंगे, जिसमें हम हमारे पूरे डिस्कशन को प्रमाणली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कुछ सेक्शंस हमें पढ़ना है पहले और बाद में फिर हम आएंगे क्लॉजेस पर. क्लॉजेस क्या बताते हैं? मिसकंडक्ट, ना कि कंडक्ट. क्लॉजेस डू नॉट से ऑडिटर शुड नॉट एडवर्टाइज. क्लॉजेस से ऑडिटर हु एडवर्टाइजेस, अ CA हु एडवर्टाइजेस विल बी गिल्टी. तो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे हमारे इस पूरे CA एक्ट और CA रेगुलेशंस के Chapter 5 को. Part 1 इज गोइंग टू बी डेफिनेशंस CA एक्ट की, एंड Part 2 में विल गो टू द शेड्यूल वेयर वी विल स्टडी ऑल द मिसकंडक्ट्स. सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज, एक बात बताओ आप, इंस्टीट्यूट जब मिसकंडक्ट बताता है कि भाई ये मत करना ये गलत है, तो आप बताइए इंस्टीट्यूट ये चीज किसे बताएगा? हर मेंबर को या सिर्फ CA इन प्रैक्टिस को? डिपेंड्स. अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई कभी भी इंस्टीट्यूट तुमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो गलत इंफॉर्मेशन मत देना, ये नियम किसके लिए रेलेवेंट होगा? ऑल मेंबर्स.
पर इंस्टीट्यूट बोलता है इसीए यू शुड नेवर एडवर्टाइज योर वर्क. ये किसके लिए रेलेवेंट होगा? वो सीए जो प्रैक्टिस में है, ना कि जो बिजनेस कर रहा है. तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस में है तो शायद उसके लिए ये प्रोविजन रेलेवेंट ना हो कि आप मार्केटिंग ना करो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में है तो उसके लिए ये प्रोविजन रेलेवेंट होगा कि आप मार्केटिंग ना करें. सर कोचिंग में है तो उसके लिए अमेंडमेंट आया रिसेंटली जिसमें उन्होंने बोला यू शुड नॉट एडवर्टाइज. एनीवेज कमिंग ऑन टू दैट एस्पेक्ट लेटर ऑन वील कम टू दैट एस्पेक्ट, बट नाउ द क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स को क्लासिफाई करता है. जो प्रैक्टिस में मेंबर है उनके लिए अलग सेट ऑफ मिसकंडक्ट्स हैं, दूसरे मेंबर्स के लिए अलग सेट ऑफ मिसकंडक्ट होंगे. यानी सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, व्हाट डू वी मीन बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस. नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं सर मेंबर इन प्रैक्टिस का मतलब वो जिसके पास सीओपी है. तो इसका मतलब जब तुमको जितने गुनाह करना है कर लो बिना सीओपी लिए, तो तुमको गिल्टी नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि तुम मेंबर इन प्रैक्टिस ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास सीओपी ही नहीं है. प्रोविजन ऐसा नहीं होता है, प्रोविजन उल्टा होता है. प्रोविजन डेफिनेशन देता है मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस की. इंस्टीट्यूट कहता है कि अ मेंबर हु इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विथ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और परमिटेड प्रोफेशनल्स फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एंगेजेस इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 और सेक्शन 2 क्लॉज 2 में जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा उसको सेक्शन 6 में सीओपी लेना पड़ेगा. तो सीओपी का प्रोविजन कहता है कि अ पर्सन हुज डीम टू बी इन प्रैक्टिस विल हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ओनली देन ही कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस एल्स ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दैट सेक्शन. यानी प्रोविजन कहता है सबसे पहले कि अगर आपने इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में आप यानी मेंबर ने कंसिडरेशन के लिए कोई भी स्पेसिफाइड एक्ट करी तो आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे. अब इस पूरे प्रोविजन को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या समझना है कि ये प्रोविजन सिर्फ मेंबर पे लगेगा. यानी आप मेंबर ही नहीं हो. मेंबर कौन होता है भाई? जिसने एग्जाम क्लियर कर लिए, 21 साल की उम्र है, सेक्शन 8 के डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, जीएमसी एसआईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी है और मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है. If you have not applied for membership, you are not a member. तो आपको क्या माना जाएगा? Member. Register of member में आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा, तब आप बन गए member. पहली बात. अगर आप member हैं, तो कब deemed to be in practice मानेंगे? जब आप individually या partnership में. So, अगर मैंने company बना ली और company बना के मैं वहां director बन गया और उसमें ये सब काम करना शुरू कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है. You are not deemed to be in practice. वाह सर ये तो बढ़िया हो गया. नहीं, बढ़िया नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए हम आगे पढ़ेंगे. सेक्शन 25 कहता है कंपनीज कैन नॉट डू प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी. यानी आप कंपनी बना के वो काम नहीं कर पाओगे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सक्लूसिवली कर सकता है. यानी सारे अटेस्टेशन फंक्शंस आपके खत्म हो जाएंगे. जहां आपने कंपनी बनाई आप आर्टिकल नहीं रख पाओगे, टैक्स ऑडिट नहीं कर पाओगे, कंपनी ऑडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और इवन सीए एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी फॉर्म में आप स्टैट्यूटरी फंक्शंस अटेस्टेशन वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते. तो कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉय बन के काम करोगे तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं हो. इंडिविजुअली पार्टनरशिप में करोगे तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो. पार्टनरशिप में एलएलपी शामिल होगी. पार्टनरशिप किसके साथ कर सकता है? एक सीए. सीए इन प्रैक्टिस के साथ, ध्यान रखना, नॉट विद सीए इन सर्विस और अ सीए नॉट इन प्रैक्टिस, ओनली विद अ सीए इन प्रैक्टिस. या फिर कुछ मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के, जिसमें 8 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल स्पेसिफाई किए इंस्टीट्यूट ने जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो. 2009 के बाद से ऐसा अलाउ किया गया है जो हम आगे देखेंगे. आप ये जो पार्टनरशिप करके कार्य कर रहे हैं ये कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए. यानी अगर आपने मुफ्त में पापा का रिटर्न भर भी दिया तो आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माने जाओगे. और क्या चीजें हैं जो आप करोगे तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे? तो इंस्टीट्यूट ने 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाई करी हैं जिसको आप जनरली गो थ्रू कर सकते हैं. इफ यू डू दीज 4 एक्टिविटीज देन यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस. सम क्विक टीजर्स, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है इसलिए टीजर्स यहाँ ले रहे हैं, अदरवाइज वी विल अवॉइड क्वेश्चंस इन द रिवीजन लेक्चर. क्या एक सीए इन प्रैक्टिस नॉन सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता. क्या एक मेंबर जो अकाउंटिंग सर्विस बिना कंसिडरेशन के लिए दे रहा है उसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? नहीं. सीए अकाउंटिंग सर्विस एज अ डायरेक्टर दे रहा है, क्या उसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? बोलो बोलो बोलो. नहीं.
क्या क्या अलग अलग मोड होते हैं प्रैक्टिस के, ये समझ लीजिए। एक सीए प्रैक्टिस किस फॉर्म में कर सकता है, इंडिविजुअली या पार्टनरशिप। दोस्तों इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने के भी दो तरीके होते हैं, इन नेम ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर और बाय क्रिएटिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। आईसीआई में अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर करोगे आपको एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फायदा यह है कि बाद में आपने कोई पार्टनर इंक्लूड किया तो वही फॉर्म के नाम में पार्टनर इंक्लूड होकर उसको कन्वर्ट कर देंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी आपके फॉर्म के नाम की आपको स्टैंडिंग मिल जाएगी। यानी कि तीन तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है, इंडिविजुअल में अपने नाम पे या फिर फॉर्म के नाम से, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म बना के फॉर्म या एलएलपी के नाम से। अब आते हैं अपन कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो उसे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाता है। अ सीए विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस इफ ही एंगेजेस इनटू एनी ऑफ दीज फॉलोइंग एक्टिविटीज। पांच एक्टिविटीज है सिंपल सी। सबसे पहली है अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करना। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी इफ यू डू एनी ऑडिटिंग वेरिफिकेशन वर्क, प्रिपरेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन वर्क और होल्ड योरसेल्फ आउट एज एन अकाउंटेंट। द थर्ड एक्टिविटी इज कोई प्रोफेशनल सर्विस या असिस्टेंस देते हो फाइनेंशियल मैटर पे। और फोर्थ एक्टिविटी है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो काउंसिल नोटिफाई करती है। घुमा फिरा के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रिपरेशन ऑडिटिंग वेरिफिकेशन इस तरह के काम करते हैं देन इन दैट केस यू विल बी डूइंग दोज स्पेसिफाइड सर्विसेज विच आर डीमिंग सर्विसेज, जिस कारण से आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। इन सारी सर्विसेज में जो मुख्य ध्यान देना है वो है फोर्थ पॉइंट पर, काउंसिल नोटिफाइड सर्विसेज। आज तक काउंसिल ने दो सर्विसेज को नोटिफाई किया है, वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस एंड सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन एंड अदर सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या क्या चीजें होती हैं, यूं समझ लो जितना भी नॉर्मली एक एमबीए देता है, जिसमें आप मार्केटिंग वाली सर्विसेज छोड़ लेना। तो एमबीए क्या क्या तरह के फील्ड्स में होते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं, तो एमबीए कुड बी बेसिकली इनटू ह्यूमन रिसोर्स, इट कुड बी बेसिकली इनटू प्रोडक्शन प्लानिंग, इट कुड बी इनटू सिस्टम्स एंड आईटी। तो दीज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। तो फाइनेंशियल मैनेजर सर्विसेज लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट, we'll come to that. But investment advisory services, bulky capital management, capital structure advisory services, हर तरह की consultancy दे सकते हो आप, execution service मत करना। यानी HR training दे सकते हो लेकिन staff leasing नहीं कर सकते। तो ये सब set of services है जो आपको permit की गई है, ये सब आप दे सकते हैं। इसमें important आपको जो ध्यान रखना है वो है कि एक chartered accountant को recovery consultant appoint करने की भी permission दी गई है। याद रखना, A, आप recovery consultant हो सकते हो सिर्फ banking sector के, और दूसरा आप recovery agent नहीं हो सकते, सिर्फ consultant। यानी मांडवाली करवा सकते हो, अगर आप माल्या जी पैसे नहीं दे रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि भाई हम उनको यहां पर ले आएंगे, तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे, पर अपने को वसूली के लिए अपने बाउंसर आर्टिकल वहां नहीं भेजना है, इस तरह का काम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस में, ब्रोकरेज में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एडवाइजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता हूं। आई कैन नॉट सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आफ्टर आई हैव बिकम अ सीए इन प्रैक्टिस और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दो सर्विसेज प्रोहिबिटेड है इसलिए आपको ये ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरा मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज विद अंडरराइटिंग। ये दो काम सीए इन्वॉल्व या नहीं कर सकता क्योंकि इसका नेचर एग्जीक्यूशन हो गया ना कि कंसल्टेंसी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप क्लाइंट का पैसा लेके मैनेज करते हो, ये नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में आप क्लाइंट को एडवाइस देते हो कि भाई यहां इन्वेस्ट कर, उसके लिए फिक्स्ड पैसा लेते हो, वो चलेगा। सिमिलरली मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में आप कंपनी को गारंटी देते हो कि भाई हम तेरे सारे शेयर्स बेचेंगे, या उसके शेयर बिकवाने के लिए प्रमोशन मार्केटिंग करते हो, ये एग्जीक्यूशन हो गया, नहीं चलेगा। अब कंसल्टेंसी दो भाई कि ऐसे तेरे शेयर सारे बिक पाएंगे, हम तेरा इश्यू एडवाइजर टू एन इश्यू बन जाएंगे, ये चलेगा। दो सर्विस प्रोहिबिटेड, प्लीज रिमेंबर द प्रोहिबिटेड वंस। ये हो गई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। इसके अलावा काउंसिल ने क्या नोटिफाई किया है, the council has notified apart from this representation and other notified services. Council ne bulaya ki ek chartered accountant agar individual ya partnership ki capacity mein for a consideration koi bhi representation service deta hai, jaise liquidator, arbitrator, executor, administrator, ye sab kaun hote hain basically? Liquidator aapne suna hoga company ke liquidation mein, arbitration jo do logo ke beech mein kya karte hai, samjhote karwate hai। एग्जीक्यूटर बेसिकली
जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी विल एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसे सुपरवाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटर कोई बाहर चले गया तो उसकी प्रॉपर्टी को यहां पे एडमिनिस्टर करने के लिए बस एक सुपरविजन, सुपरवाइजरी गवर्निंग पावर रखना। इस तरह की कोई भी सर्विस जहां पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज दे रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, ये भी दे सकता है सीए, बट यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। एंड इसके अलावा अगर आप कॉस्टिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैटर में कंसल्टेंसी या रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज देते हो, एडवाइजरी या रिप्रेजेंटेशन, देन ऑल्सो डीम टू बी इन प्रैक्टिस। अब आप बताओ इतनी सारी चीजें होना अच्छी बात है क्या? तो इट्स अ टू एजेड स्वॉर्ड। ये लिस्ट जितनी बड़ी है इसके फायदे और नुकसान दोनों है। फायदा यह है कि ये जितनी सारी सर्विसेज बोली गई है अगर आप ये दोगे तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे। इसका मतलब ये भी है कि ये सारी सर्विसेज एक सीए दे सकता है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्बिट्रेटर बन सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिक्विडेटर बन सकता है, क्योंकि ये सब तो इंस्टीट्यूट ने बोला है ये सब करोगे तो सीए इन प्रैक्टिस माने जाओगे, यानी ये तो उन्होंने इनडायरेक्टली अलाउ कर दिया कि सीए इन प्रैक्टिस ये सब करता है। पर इसकी दूसरी एस्पेक्ट ये होगी कि अगर आप ये करोगे तो आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो जाओगे, तो आपको पहले सीओपी लेना पड़ेगा और इसलिए आपके ऊपर इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ एथिक्स का एक नया चैप्टर आपके लिए खुल जाएगा, आपको ज्यादा क्लॉसेस कोड ऑफ एथिक्स के फॉलो करना पड़ेंगे। तो इट हैज बोथ द एस्पेक्ट्स। सीए के साथ साथ अगर आपने सीएस या सीएमए कर रखा है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई ओवरलैपिंग सर्विसेज हैं लाइक कॉस्टिंग एडवाइजरी आप दे रहे हो और सी और सी एम ए दोनों हो, तो आपके पास ऑप्शन है आप दोनों में एक में सीओपी ले लो, दूसरा इंस्टीट्यूट आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं मानेगा। क्या मैं दो सीओपी ले सकता हूं क्या सर एक साथ? आईसीआई बोलता है कि अगर दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम होगी। इंस्टीट्यूट हैज अलाउड टू टेक ड्यूअल सीओपी इफ यू आर अ सीए एंड यू आर ऑल्सो अ सीएस और अ सीएमए और इवन एन एडवोकेट, provided the other institute allows. लेकिन ना तो ICSI ना ICAI Institute of Cost Accountants of India ना ही Bar Council जो advocates को regulate करती है आपको permission देगी कि आप CA की practice के साथ साथ इनकी भी practice कर लो। They will never ever allow this. They are afraid of us. इसलिए dual COP institute की तरफ से मना नहीं है। राइट तो ये दो एस्पेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए। क्या सीए रिकवरी एजेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन एजेंट नहीं, सिर्फ कंसल्टेंट, वो भी बैंकिंग सेक्टर में। ड्यूअल सीए भी मैंने आपको बता दिया। इंस्टीट्यूट के मेंबर कैसे बनते हैं, वी हैव क्विकली कवर्ड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सीओपी का सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया। एक सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी का क्वेश्चन आता है, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप इनमें से कोई भी सेवाएं जो अभी अपन ने पढ़ी है देंगे तो आपको पहले सीओपी लेना पड़ेगा। एक बार इंस्टीट्यूट के किसी मेंबर को गिल्टी पाने पर इंस्टीट्यूट ने उसे कह दिया कि भाई तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, 6 महीने के लिए तेरी प्रैक्टिस करने की पावर हम छीन रहे हैं। उसने क्या किया, अपनी दुकान से सीए के बोर्ड हटा के टैक्स कंसल्टेंट के बोर्ड लगा के टैक्स कंसल्टेंसी देना शुरू कर दी। उसने किसी को नहीं कहा मैं सीए हूं, उसने सबको बोला मैं तो टैक्स कंसल्टेंट हूं। इंस्टीट्यूट ने उसे फिर भी गिल्टी मान लिया ये कह के कि तू मेंबर है, और मेंबर अगर टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज देता है जो अदर नोटिफाइड सर्विसेज में कवर्ड है तो ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एज अ सीए इन द कैपेसिटी ऑफ अ सीए दे या किसी भी दूसरे नाम से दे। तो इफ यू आर अ मेंबर यू डू एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नाम मेंबर्स रजिस्टर में एंटर कराने के बाद मेंबर कहलाता है, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जा सकता है क्या? हाँ, अगर फीस नहीं पे की है, कोई मिसकंडक्ट हुआ या डिस्क्वालिफिकेशन आया, फीस नहीं पे की है तो आपका मेंबरशिप में नेम रिस्टोर हो जाएगा जब आप फीस वापस से पे कर देंगे। ऑब्वियसली डेथ के केस में आपका नाम परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। रिवीजन में हम एक रिवीजन कर रहे हैं क्विक। किसको? सबसे पहली बात, डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना गया है मेंबर कब? जब वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप की कैपेसिटी में सीएन प्रैक्टिस या किसी और के साथ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैंडल करता है। स्पेसिफाइड सर्विसेज में हमने देखा 4 सर्विसेज है जिसमें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर नोटिफाइड सर्विसेज। हमने देखा मर्चेंट बैंकिंग प्रोहिबिटेड है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को खास तौर पर प्रोहिबिट किया है।
आप रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो बैंकिंग सेक्टर के, लेकिन रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते. आप इंश्योरेंस एडवाइजरी दे सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते. इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 2 क्लॉज 2 मेंबर इन प्रैक्टिस. नाउ लेट अस कम ऑन टू द डेजिग्नेशन पार्ट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या डेजिग्नेशन यूज कर सकता है? सिंपल सा फंडा है. अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करने का. अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करो, या आपको जमाने भर की दूसरी जितनी यूज करना है वो कर लो. इसका मतलब शादी हो गई तो उसके साथ ही जाओगे, उसके साथ नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना. शादी नहीं हुई है, पक्की हुई है, तो अगर उसके साथ जा रहे हो तो उसी के साथ जाओ, लेकिन उसके साथ नहीं जा रहे तो फिर जिसके साथ जाना है तब तक जब तक शादी नहीं हो रही, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ. दोनों को साथ में मत ले जाना, टूट जाएगी. यानी कि अगर आप प्रैक्टिस में आ चुके हो तो आपकी शादी हो चुकी है, अब आपकी एक ही डेजिग्नेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट. नहीं हुई है आपकी शादी पर आप सीए हो, आपके पास ऑप्शन है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन रखो या फिर दूसरी लो, साथ में दोनों डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते. पर सर हमने देखा है कई लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो लोग लिखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सीए सार्थक जैन डायरेक्टर किंगफिशर एयरलाइंस. अब आप बताइए क्या ये सही है? क्या इसमें सीए भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया? दोस्तों डायरेक्टर इज द डेजिग्नेशन, सीए यूज करना डेजिग्नेशन नहीं है. तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि एक विजिटिंग कार्ड में क्या क्या चीजें आती है और उनका क्या क्या मतलब होता है. नाम से पहले जो लगता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, नाम के पीछे जो लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स. आज की तारीख में प्रीफिक्स सफिक्स लगाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. तो जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है सीए सीएस आयुष मेहता पद्मश्री, ये सब बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पद्मश्री इज द सफिक्स, सीए सीएस इज द प्रीफिक्स. सीए लिखाने का लिखने का तरीका आपको पता होगा, सीए और उसके बाद डॉट. चार्टर्ड अकाउंटेंट ये डेजिग्नेशन है, ये आप एक समय पर एक ही ले पाओगे. डायरेक्टर किंगफिशर एयरलाइंस ये दूसरी डेजिग्नेशन हो गई. दो डेजिग्नेशन जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोई और है, ये तो कभी भी अलाउड नहीं है फिर आप प्रैक्टिस में हो या नहीं. यानी अगर ये लड़का प्रैक्टिस में है तो इसने क्या गलती करी? डायरेक्टर डेजिग्नेशन यूज करके. अगर ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसने क्या गलती करी? या तो इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करना थी या फिर डायरेक्टर, दोनों साथ में यूज नहीं कर सकता है ये डेजिग्नेशन. और डेजिग्नेशन के बाद नॉर्मली अपन जो एब्रिविएशन के थ्रू डिग्रीज डिनोट करते हैं, इन सारी डिग्रीज को कहा जाता है बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ डिग्रीज. इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? इसमें इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा किसी रेकग्नाइज इंस्टीट्यूट से है या एक ऑथराइज यूनिवर्सिटी से है तो उस केस में आप ये लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए आपने अपनी यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, यू कैन पुट इट अप. आपने आईएम से एमबीए किया है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, वो भी लिख सकते हो. पीएचडी किया है, वो भी लिख सकते हो. लेकिन सीएफए यूएस का सीपीए ये सब रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं है. यानी अगर एक सीए सीएफए सीपीए करता है तो वो ना तो सीए सीपीए लिख पाएगा, ना ही वो सीएफए लिख पाएगा, ना ही वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि डेजिग्नेशन तो लिख ही नहीं सकते, डिग्रीज में भी आप सीपीए और सीएफए दिखा नहीं सकते. तो यू हैव टू टेक केयर दैट सबसे पहले आप ये देखें कि आप किसकी बात कर रहे हैं. प्रीफिक्स सफिक्स नो प्रॉब्लम, डेजिग्नेशन देर इज अ रूल, डिग्रीज यूजिंग एब्रीविएशन देर इज अ रूल. डिग्री यूजिंग एब्रीविएशन द रूल इज यूनिवर्सिटीज आर रिकग्नाइज्ड, यूज इट. डेजिग्नेशन द रूल इज प्रैक्टिस में हो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस में नहीं हो देन चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर दूसरी जो यूज करना है बट नॉट टूगेदर. इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर आप सीए इंस्टीट्यूट आईसीआई में कोई ऑफिस बेरर है, कोई पोजीशन होल्ड करते हैं. अब प्रेसिडेंट आईसीआई तो अपने विजिटिंग कार्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिखेगा और प्रेसिडेंट आईसीआई,
तो ये तो दो डेजिग्नेशन हो गए। तो ऑफिस बेयरर्स को अलाउ किया गया है कि उनके विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड सीए इंस्टीट्यूट छाप के देगा, जिसमें वो जो आईसीआई में ऑफिस पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो प्रिंट करके देगा। उसमें ध्यान रखिएगा, मेंबर का नाम आता है, उसकी डेजिग्नेशन आती है, प्रीफिक्स आता है, उसके ऑफिस का एड्रेस बैक साइड ऑफ द विजिटिंग कार्ड में आएगा, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लेकिन उसके फर्म का नाम वहां पर नहीं दिया जाएगा। वो जो अपनी पर्सनल फर्म का कार्ड छापेगा उसमें वो प्रेसिडेंट आईसीआई या ऑफिस बेरर की पोजीशन यूज नहीं कर सकता, वहां पे उसे एक सामान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा ही विजिटिंग कार्ड बनाना होगा। सेक्शन 7 डेजिग्नेशन। इसी सेक्शन से रिलेटेड आगे आप देखेंगे तो शेड्यूल 1 पार्ट 1 में क्लॉज 7 भी आता है, विच इज एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और यूजेस एनी डेजिग्नेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें वहां पर अपन एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि अगर इंस्टीट्यूट, अगर बार काउंसिल ने आपको एडवोकेट की परमिशन दी है कि आप सीए के साथ साथ एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उस केस में देन यू कैन हैव टू सेपरेट सेट ऑफ विजिटिंग कार्ड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का और एक एडवोकेट का। एक में क्लब नहीं करना, दो अलग अलग स्टेशनरी रख सकते हैं जब ड्यूअल सीओपी आपको होल्ड करने की परमिशन मिली है, पर वो प्रैक्टिकली होता नहीं। कमिंग ऑन टू डिसेबिलिटीज फॉर मेंबरशिप, इन सब केसेस में आपको डिसेबल फॉर मेंबरशिप मान लिया जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी अज्यूम दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर, या आप बन चुके हो तो आपकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। सबसे पहले 21 साल की उम्र होना जरूरी है, इंस्टीट्यूट मानता है जो भगा नहीं सकता उसको क्या डिग्री देंगे। आपको मालूम है भारत में भगाने की उम्र 21 है और भागने की 18। खैर, ये लड़कियों की और लड़कों के लिए, दोनों के लिए 21 साल की उम्र दी गई है। अनसाउंड माइंड का है तो सीए की डिग्री नहीं देंगे। सर अनसाउंड माइंड है तभी तो सीए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया अनसाउंड माइंड एंड सर्टिफाइड बाय कोड, ऐसी वैसी अनसाउंडनेस नहीं चाहिए अपने को। नेक्स्ट, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंट हुआ है और अभी भी उसकी संपत्ति का लेन देन बाकी है। शिवाजी तो बॉस भी हो गए थे इंसॉल्वेंट, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। सीए इंसॉल्वेंट हो गया, जब तक अनडिस्चार्ज है तब तक डिस्क्वालिफाइड। तो सर जब उसकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद क्या वो क्वालिफाइड हो जाएगा? अगर ये प्रूव हो जाए कि उसकी इंसॉल्वेंसी का कारण बैड लक था ना कि कोई फ्रॉड, जैसा हर्षद मेहता, केतन पारिक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया, तेलगी जैसे स्टॉक स्टैम्प्स केमिस्ट ने किया, तो आपकी डिग्री आपको रिस्टोर करके दे दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए, अनैतिक कार्य के लिए जेल की या काले पानी की, मॉरल टर्पिट्यूड, इंप्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की सजा सुनाई गई है, देन इन दैट केस आल्सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सर जब हम जेल से छूट के आ जाएंगे क्या हमें डिग्री वापस दे दी जाएगी? इंस्टीट्यूट कहता है कि जेल में अगर आपका आचरण अच्छा रहा होगा तो जेल से छूटने के बाद आप कोर्ट से पार्डन सर्टिफिकेट ले आइए। जेल में हमने बहुत बढ़िया काम किया सर, लोगों को अच्छी शिक्षा दी, सीपीटी भी पढ़ाया हमने कईयों को, एक की तो रैंक भी आई। सीपीटी में हम नहीं आती है सर, हम तो तुम दो सीरियसली ले रहे हो एग्जाम्पल को। तो उस केस में आपको पार्डन सर्टिफिकेट मिल गया तो मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। और फाइनली, इंस्टीट्यूट ने कभी भी काउंसिल ने आपको गिल्टी होल्ड किया तो इंस्टीट्यूट भी आपकी मेंबरशिप रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। चलिए, बाकी इसके अलावा सेक्शन 27 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ब्रांच ऑफिस। क्या एक सीए जितने चाहे उतनी ब्रांचेस खोल सकता है क्या? देखो अगर ऐसा होगा ना तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम क्या, आपने बता दिया 10 जगह आपकी ब्रांच है जबकि वहां कोई देखने वाला आदमी नहीं है और आप बेवजह पब्लिसिटी कर रहे हो। इसलिए इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम कब है? जब आप ब्रांच खोल के उसकी पब्लिसिटी करो। इसलिए इंस्टीट्यूट ने ब्रांच की डेफिनेशन में कहा है, ब्रांच मींस अ प्लेस ऑफ और ऑफिस ऑफ वर्क व्हिच इज एडवर्टाइज्ड एज सच और अ प्लेस वेयर द नेम बोर्ड ऑफ द फर्म हैज बीन अफिक्स्ड। यानी कि अगर आपके 10 ऑफिस है और कहीं भी आप बता नहीं रहे हो कि ये मेरी ब्रांच है, बस अपन तो काम किए जा रहे हैं और कहीं पे नाम भी नहीं लगाया, बोर्ड भी नहीं लगाया, तो वो ब्रांच की परिभाषा में नहीं आएगी, उस पर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। प्रोविजन कब लगेंगे? या तो आपने अपनी वेबसाइट, स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड किसी भी जगह पर एडवर्टाइज किया है कि हमारी ब्रांच है, या फिर वहां पे आपने फॉर्म का नेम बोर्ड टांगा है। अगर आप ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपको हर ब्रांच पर एक एलिजिबल मेंबर इनचार्ज रखना होगा। एलिजिबल मेंबर कौन होगा? जो या तो आपका पार्टनर है और
या तो आपका पार्टनर है अथवा वो आपका फुल टाइम एम्प्लॉई है, नॉट पार्ट टाइम. ऑब्वियसली मेंबर यानी सीए होना चाहिए. इंचार्ज कब माना जाएगा? जब कम से कम साल में 182 दिन वो विजिट करता है उस ब्रांच पे, या फिर जहां ब्रांच है उसी सिटी में रिसाइड करता है, रहता है. कई बार होता है हम ऑफिस पे नहीं जा पाते हैं, क्लाइंट लोकेशन पे जाते हैं, तो ऑफिस रोज रोज जाना नहीं होता, पर ब्रांच हमारे सुपरविजन में है तो भी चलेगा. वन मेंबर वन ब्रांच, एक ब्रांच का एक ही मेंबर होगा. ऐसा नहीं 6 महीने ये मेंबर इंचार्ज, 6 महीने वो मेंबर इंचार्ज, एक्सेप्ट डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया. आपको जब भी ब्रांच खोलोगे 30 दिन में इंस्टीट्यूट को इत्तला करना है, भाई हमने यहां पर ब्रांच खोली है, ये एड्रेस है, ये मेंबर इंचार्ज है. एक आदमी आपकी फर्म के लिए एक ही ब्रांच का इंचार्ज बन सकता है. सर कई बार हमारी फर्म में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी फर्म में कोई सीए पेड एम्प्लॉय नहीं है, आर्टिकल से ही काम हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ी और पार्टनर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए एक एग्जम्पशन है, यू कैन हैव अ सेकंड ऑफिस विदाउट हैविंग अ मेंबर इंचार्ज, जिसे बोलते हैं सेकंड ऑफिस एग्जम्पशन. सेकंड ऑफिस एग्जम्पशन इज नॉट एडिशनल ऑफिस एग्जम्पशन, इट इज सेकंड ऑफिस एग्जम्पशन. यानी अगर आपका एक ही ऑफिस है मेन ऑफिस और आप एक और ऑफिस खोलना चाहते हो और आपके पास कोई मेंबर इंचार्ज नहीं है तो भी आप खोल सकते हो, प्रोवाइडेड ये सेकंड ऑफिस सेम प्रिमाइस यानी उसी बिल्डिंग में हो, सेम सिटी में हो, या फिर 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी ऑफ द मेन ऑफिस हो, तो उस केस में आप इस तरह की ब्रांच ओपन कर सकते हैं. यानी ये आपका मेन ऑफिस है तो 50 किलोमीटर हमें यहां से काउंट नहीं करना है, ये जो मेन ऑफिस की सिटी की म्युनिसिपल लिमिट से यहां से 50 किलोमीटर में आपका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए. एग्जाम में अगर क्लियर ना हो तो आपको अजम्पशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो चुकी है एग्जाम में, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक मुंबई के सबर्ब्स के नाम पे और एक चेन्नई के सबर्ब्स के नाम पर. उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था कि 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस उन्होंने दिया था वो 80 किलोमीटर था, पर कहां से था क्लैरिफाई नहीं किया, तो आपको दोनों एस्पेक्ट से आंसर देना पड़ेंगे. अगर आपकी ब्रांच ऑफिस इस दायरे में है तो आप उस ब्रांच ऑफिस को खोल सकते हो बिना कोई मेंबर इंचार्ज के, पर ध्यान रखना है सिर्फ सेकंड ऑफिस के लिए दिया गया एग्जम्पशन है, यह ऑफिस भी आपको इंस्टीट्यूट को इत्तला करना पड़ेगा. इसके अलावा पहाड़ी इलाके में हिली एरियाज में एक एग्जम्पशन होता है, साल में एक बार मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप हिली एरिया में अपना मेन या ब्रांच या जो भी ऑफिस है उसे नियर बाय एरिया में शिफ्ट कर सकते हो. आपको उसके लिए कोई अलग मेंबर इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका हिली एरिया का ऑफिस है उस ऑफिस में ऑपरेशंस बंद करना होंगे. ऑफिस सिर्फ करस्पॉन्डेंस, कोई आया गया उसे बता दिया भाई ऑफिस शिफ्ट हो गया है, कोई लेटर आया तो रिसीव कर लिया, इस तरह के कार्य के लिए चालू रहेगा. जो नियर बाय एरिया में आपने ऑफिस खोला है जिसे टेम्पररी ऑफिस बोलेंगे, वो 3 महीने मैक्सिमम के लिए हो सकता है, साल में सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं एक एक महीने 3 बार, और वहां पे आप फर्म का नेम बोर्ड लगा सकते हो. जैसे ही वो ऑफिस बंद होगा वहां से फर्म का नेम बोर्ड हटाना पड़ेगा, इस दौरान मेन ऑफिस पे नेम बोर्ड लगा रह सकता है. दिस इज योर एग्जम्पशन फॉर ब्रांच ऑफिस. चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 27. एंड देन इसके बाद कुछ पेनल्टीज देख लेते हैं दोस्तों. पेनल्टी किस किस चीज की है? सेक्शन 24 बोलता है तुम सीए नहीं अपने आप को सीए बताते हो तो इंस्टीट्यूट के पास पावर है. ऐसा नहीं अपन सीए नहीं अपने आप को सीए बताया और इंस्टीट्यूट आ गया और उसने बोला भाई तू सीए नहीं अपने आप को सीए बता रहा है चल तुझे अंदर कर देंगे, हमने बोला तुम हमारे पास कैसे आए, हम तो सीए ही नहीं है, तो तुम्हारा और हमारा क्या रिश्ता, जाओ आईसीआई जाओ. ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूट के पास पावर है. चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन अपनी जागीर है, कोई यूज नहीं कर सकता, करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको. क्या करेंगे सर? पेनल्टी लगाएंगे. अरे बाप रे कितनी पेनल्टी होगी, पूछो ही मत, डर जाओगे. सर बताओ ना, पहली बार 1,000, उसके बाद 5,000, दूसरी बार में 6 महीने तक के लिए अंदर भी कर सकते. सर 1,000 और 5,000 बस, अपन तो एडवांस में कटवा लें. अब यार ये पुराने प्रोविजन है इसलिए ऐसे हैं, अभी कोड ऑफ एथिक्स रिवीजन में है, रिवाइज हो जाएगा, ये सारी पेनल्टी बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ फटाफट पास हो जाओ दोस्तों, नहीं तो कुछ नया आ जाएगा. एनीवेज, तो
सीए नहीं है अपने आप को सीए बताते हो, सीए इन प्रैक्टिस नहीं है अपने आप को सीए बताते हो, इन प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट के नाम पे कुछ तो भी दिए जा रहे हो तुम आईसीआई ने ऐसा बोला, जबकि एक्चुअल में कुछ ऐसा ही नहीं, या आईसीआई के नाम पे कुछ काम शुरू कर रहे हो, या आईसीआई नाम की कोई इंस्टीट्यूट शुरू कर दी तुमने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन सब केस में आपके ऊपर सेक्शन 24 और 24A की पेनल्टी लगेगी, सेम पेनल्टी, फर्स्ट टाइम 1000 और उसके बाद 5000 विद अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ध्यान रखना, अगर आप फेलो नहीं हो और अपने आप को फेलो बताते हो तो फिर उसका मिसकंडक्ट क्लॉजेस में कवर्ड है, शेड्यूल 1 Part 3 Clause 1। इसके अलावा देयर इज सेक्शन 26 जो कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को साइन करने देते हो, आप अलाउ करते हो जो क्वालिफाइड नहीं है साइन करने के लिए, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 26 में। पहली बार 5000 से 1 लाख, दूसरी बार डबल हो जाएगी 10000 से 2 लाख, पर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये आपके सारे प्रोविजंस हैं जो सेक्शंस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये सब करने के बाद हम सेक्शन 21 और 22 देखते हैं, विच आर बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। इसी के ऊपर रिलेटेड अब हमारा क्या होता है, शेड्यूल होता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहा गया है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर एनी ऑफ द मिसकंडक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 टू द सीए एक्ट 1949 और एनी अदर मिसकंडक्ट, एनी अदर मतलब नॉट इवन प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल्स, वेदर डन इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी और एनी अदर कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं अदर मिसकंडक्ट। दोस्तों अदर मिसकंडक्ट पे मैं आपके साथ 2 मिनट यहां डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में आप यू सोच लीजिए, यू विल फाइंड एवरी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट 1 question ऑन अदर मिसकंडक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों अदर मिसकंडक्ट से कई बार स्टूडेंट समझ लेता है कि अदर मिसकंडक्ट यानी एक ऐसा मिसकंडक्ट जो प्रोफेशनल के अलावा है, ये पहली गलती। मैंने आपको शुरू में लेक्चर में समझा दिया था कि इंस्टीट्यूट आपको 2 शादी करने के लिए भी जिम्मेदार ठहरा सकता है, सकता है, सकेगा या नहीं वो अलग बात है, उसके पास पावर है। क्यों? उसे लगता है कि इससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो ही कैन चार्ज यू फॉर अदर मिसकंडक्ट। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां पर इनकम टैक्स के अफसरों ने रेड डाली और वहां देखा कि सीए ने अपनी अलमारी में अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स छुपा रखे थे ताकि उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज जब्त ना कर ले। तो उसके यहां घर पे रिकॉर्ड्स छुपाए हुए थे, वो भी अलमारी में, वो भी बेडरूम की, असली क्वेश्चन में लिखा था। बताइए क्या सीए को गिल्टी माना जाएगा? बिल्कुल सर, ये तो गलत है, अनैतिक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सीए ने चोरी में साथ दिया, ही इज गिल्टी। सेकेंड, इज दिस अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट? द आंसर इज अदर मिसकंडक्ट। सर ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। अदर मिसकंडक्ट में क्या बोला गया है, सेक्शन सेज A CA is guilty for any misconduct prescribed in the schedules to the CA Act. ये हो गया professional misconduct. Or any other misconduct, whether done in his professional capacity or otherwise. यानी जो भी एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है पर इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये मिसकंडक्ट हो सकते हैं, फिर वो प्रोफेशनल से रिलेटेड हो या पर्सनल कैपेसिटी से रिलेटेड हो, उन सबको अदर मिसकंडक्ट में डाला गया। और ये सेक्शन बनने के बाद में फिर शेड्यूल्स में रिवीजन हुए थे और अब शेड्यूल में भी अदर मिसकंडक्ट को डिफाइन कर दिया गया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन अदर मिसकंडक्ट, थ्योरी क्वेश्चन कम आते हैं ऐसे, पर कभी आ गया तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना, लिखना सेक्शन 21-22 में प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट क्या है, फिर बोलना कि अब शेड्यूल 1 के Part 4 में और शेड्यूल 2 के Part 3 में अदर मिसकंडक्ट को कैसे डिफाइन किया है, जो अभी अपन देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देना अदर मिसकंडक्ट के आपके मॉड्यूल में, अपनी फास्ट की बुकलेट में और यहां स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
किस तरह की चीजें यहां पे कवर होती हैं. तो दिस इज बेसिकली आवर कंप्लीट डिस्कशन फ्रेंड्स ऑन वॉच. दिस कंप्लीट्स ऑल योर प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस. अब अपन किस पर आ सकते हैं? मिसकंडक्ट पर. मिसलेनियस प्रोविजन में एक वेरी क्विकली एक फेलो का प्रोविजन होता है. फेलो मेंबर किसे कहते हैं दोस्तों? जिसके पास 5 साल का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिस का. हालांकि इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपने 5 साल तक प्रैक्टिस कर ली है तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करोगे तो ही देंगे, अपने आप नहीं देंगे. और मांगोगे तो पक्का देंगे, मना नहीं कर सकते. मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है पर मैं किसी सीए फर्म में जॉब कर रहा था. आप बताओ सीए फर्म में जॉब कर रहा हूं तो क्या मैं डीम टू बी इन प्रैक्टिस हूं? नहीं, बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉय नॉट एज अ पार्टनर और एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. पर मेरे पास एक्सपीरियंस तो सीएन प्रैक्टिस का है. तो ऐसे केस में आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हो. प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि 5 साल में आपने वो एक्सपीरियंस गैदर किया है जो एक प्रैक्टिसिंग सीए गैदर करता था. अगर प्रूफ हो गया तो फिर इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप अवार्ड कर देगा. फेलो सीए लगाने से क्या होता है, एक तो कई बार जब आप पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं तो टेंडर्स वगैरह में आपकी एलिजिबिलिटी में रिक्वायरमेंट होती है फेलो होने की. प्लस एक बुजुर्ग फीलिंग आती है कि हम चलो पुराने सीए हो गए, राइट? तो दैट वॉज वन मोर प्रोविजन. देन कंपनीज नॉट टू एंगेज. एक केवाईसी नॉर्म्स का एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया था जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जब भी एक कोई पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट को ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो क्या उसे क्लाइंट का नॉलेज होना चाहिए? यस, ही शुड नो योर क्लाइंट. इनफैक्ट जो आपकी एसेस की 300-400 सीरीज है, 300-400, खासतौर पर ऐसे 315, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट एंटिटी एंड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, बेसिकली टॉक्स अबाउट केवाईसी. तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट की जानकारी ले लेना चाहिए? हाँ, कहा गया है कि उसको एंटिटी की जनरल इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट का उसका स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एज इन उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स, प्लस हमें किस तरह के एंगेजमेंट में एंगेज किया जा रहा है, ये सब एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए. और उसे कुछ अदर इंफॉर्मेशन लेना चाहिए जैसे कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार देख लें, होल्डिंग कंपनी कौन है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कौन है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेना होगी. ऑल दिस इज समथिंग विच यू शुड डू. दिस कंप्लीट्स ऑल योर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सीए एक्ट, द सेक्शंस एंड द प्रोविजंस. नाउ वील कम ऑन टू व्हाट? वील कम ऑन टू द मिसकंडक्ट्स. चलिए दोस्तों, तो अब लेट अस कम डाउन टू द शेड्यूल्स. So we are talking about professional and other misconduct. ये सब कहाँ पर दिए गए हैं? सी एक्ट 1949 के शेड्यूल्स में. तो जैसे आपके कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 होता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 2 होता है यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, वैसे ही सी एक्ट में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में मिसकंडक्ट दिए गए. शेड्यूल 1 के मिसकंडक्ट कंपेरेटिवली थोड़े माइल्ड माने जाते हैं, दे आर माइल्ड मिसकंडक्ट्स. एंड शेड्यूल 2 मिसकंडक्ट्स आर सिवियर मिसकंडक्ट्स. इनफैक्ट शेड्यूल 1 में मिसकंडक्ट करने पर आपके ऊपर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए की पेनल्टी या 3 महीने तक आपकी मेंबरशिप सीज की जा सकती है. लेकिन शेड्यूल 2 के मिसकंडक्ट में आप पे 5,00,000 तक की पेनल्टी लग सकती है और इंस्टीट्यूट आपकी मेंबरशिप परमानेंटली छीन सकता है. इसका मतलब ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये मिसकंडक्ट किस शेड्यूल में कवर होगा, अकॉर्डिंगली आपकी पेनल्टी डिसाइड होगी. अगर कोई मिसकंडक्ट दोनों शेड्यूल में कवर्ड है तो ऑब्वियसली हायर पेनल्टी लगती है. भारत में हम पेनल्टी दो, एक ही गुना की पेनल्टी हम ऐड नहीं करते, जो मैक्सिमम है वो अप्लाई कर देते. इन शेड्यूल्स को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज ऑल समथिंग यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल. शेड्यूल 1 फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली नॉट 3 लाख, 5 लाख इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. पार्ट 1, 2, 3 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और पार्ट 4 में अदर मिसकंडक्ट. शेड्यूल 2 हैज 3 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, 3 इज अदर मिसकंडक्ट. ये पार्ट्स बनाने का बेसिक लॉजिक आपको समझ में आ ही जाता है क्योंकि सीए प्रैक्टिस में जो है उनके ऊपर नियम हमें कुछ एडिशनल लगाना होते हैं, इसलिए इनमें से कुछ पार्ट सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस पर लगते हैं. इनफैक्ट शेड्यूल 1 का पार्ट 1 इज ऑन सीएन प्रैक्टिस, पार्ट 2 इज ऑन सीएन सर्विस, पार्ट 3 इज ऑल मेंबर, पार्ट 4 इज ऑल मेंबर बट अदर मिसकंडक्ट. शेड्यूल 2 में 3 ही पार्ट है. पहला पार्ट किस पर एप्लीकेबल होगा? सीएन प्रैक्टिस पे. दूसरा पार्ट ऑल मेंबर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तीसरा पार्ट ऑल मेंबर अदर मिसकंडक्ट. यानी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो सारे के सारे क्लॉजेस सीएन प्रैक्टिस पर लगते हैं एक्सेप्ट शेड्यूल 1 पार्ट 2 विच इज ओनली ऑन सीएन सर्विस.
नंबर ऑफ क्लॉजेस भी आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा शेड्यूल वन पार्ट वन शेड्यूल टू पार्ट वन में ही मिलेंगे. शेड्यूल वन पार्ट वन जो सी एन प्रैक्टिस पर है उसमें 12 क्लॉज है, और शेड्यूल टू पार्ट वन जो भी सी एन प्रैक्टिस पर है एक्सक्लूसिवली उसमें 10 क्लॉज है. मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉजेस आर एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन मेंबर्स इन प्रैक्टिस, और जो लॉजिकली सही भी है. हम सीरियली पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्लॉजेस समझते जाएंगे और फिर बाद में आपको मैं इसको याद करने की टेक्निक देते जाऊंगा. क्लॉजेस समझने से पहले कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए. कॉपीज चेक करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स में 4 में से 4 मार्क मिलते हैं, दिए जाते हैं, प्रोवाइडेड आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें. सबसे पहली चीज दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. तो सबसे पहली चीज आप समझें, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मिसकंडक्ट है. यानी आप हमेशा एग्जाम में कैसे लिखेंगे, व्हेन यू राइट अ पर्टिकुलर क्लॉज द वे यू विल राइट दिस पर्टिकुलर क्लॉज वुड बी लाइक इफ अ मेंबर डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज engagement without prior permission from the client or without requirement of a law, he'll be held guilty. यानी आप लिखोगे कि अगर member ने disclose कर दी information बिना permission लिए तो guilty है, ना कि ऐसा कि member को कभी भी बिना permission के information disclose नहीं करना चाहिए. हमें सुझाव नहीं देना है, misconduct लिखना है पहली चीज. दूसरी चीज, जब भी मिसकंडक्ट लिखते हैं तो मिसकंडक्ट लिखते समय आप उसको उसका नोटेशन देना होता है. क्या एग्जाम में मिसकंडक्ट जब भी हम कोट करेंगे तो क्या क्लॉज नंबर कोट करना अनिवार्य है? देखो, अनिवार्य की तो बात ऐसा है कि पास होना भी अनिवार्य नहीं है. ऑब्वियसली बात है, उसके मार्क्स होते हैं. यू शुड बी कोटिंग दैट. तो यू शुड स्टार्ट विथ क्लॉज नंबर, देन पार्ट, देन शेड्यूल, देन यू शुड राइट ऑफ सी एक्ट. यानी आपका रेफरेंस आएगा एज पर क्लॉज वन ऑफ पार्ट वन टू शेड्यूल टू ऑफ द सी एक्ट 1949. इस तरह से आप रेफर करेंगे. आपको पता होगा एग्जाम में जब भी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस नहीं, ऑब्जेक्टिव यस नो हाँ ना गलत सही, इसलिए इनके आंसर 3 पैराग्राफ में बनते हैं. पहले पैराग्राफ में हम प्रोविजन कोट करते हैं जिसमें हम क्लॉज नंबर और प्रोविजन लिखते हैं. दूसरे पैराग्राफ में हम क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए उसे ब्रीफ में लिख के प्रोविजन के साथ उसका इंटरप्रिटेशन समझाते हैं, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन का बेसिस बनता है. प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली कंक्लूजन. अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने मॉड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले आपको फैक्ट्स ऑफ द केस देना चाहिए, फिर प्रोविजन, इंटरप्रिटेशन और फिर कंक्लूजन. पर सजेस्टेड आंसर कभी ऐसे नहीं बनते. जब आप ऐसा करें तो क्या क्लॉज नंबर और आपको क्लॉजेस वर्ड टू वर्ड एज इट इज देना है क्या? आई विल से यस, जितना हो सके आपको देना ही चाहिए. सब्जेक्ट टू ए एंड द इधर उधर हो, बाकी आपके क्लॉजेस एज इट इज होना चाहिए जितना हो सके. सर क्लॉज लिखना, फिर कई बार क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्लॉज रेफर करना पड़ते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है आंसर. ऐसे केस में आप फिर क्लॉज नंबर्स दे दें और फिर आप पूरे के पूरे क्लॉजेस लिखने की बजाय सीधे उनका प्रोविजन ब्रीफ में एक्सप्लेन करके आप सीधे फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन पे आ सकते हैं. जस्ट टू शॉर्टन द लेंथ इफ देर आर मल्टीपल क्लॉजेस इन्वॉल्व. इफ देर इज अ सिंगल क्लॉज इन्वॉल्व यू शुड कोट द क्लॉज. अगर क्लॉज का कोई एक पार्ट ही इन्वॉल्व्ड है क्वेश्चन में तो आप सिर्फ उतना सा पार्ट कोट करेंगे तो भी चलेगा. यू नीड नॉट कोट द होल क्लॉज इंक्लूडिंग सर्टन पार्ट्स व्हिच आर इररिलेवेंट. जैसे कई सारे क्लॉजेस में कई एक्सेप्शन होते हैं, अब आपका क्वेश्चन उनमें से किसी एक एक्सेप्शन से रिलेटेड है तो आप हो सकता है वही कोट करते. बट दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू टाइमिंग अवेलेबिलिटी. टू बी ऑन द सेफर साइड इफ यू कैन कोट द फुल थिंग देयर इज नो हार्म, सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी. हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में अंत में क्या दिया है ये ध्यान से पढ़ना, कंक्लूजन पैराग्राफ वैसा लिखना. कई बार क्वेश्चन बोलता है एडवाइस, कई बार क्वेश्चन बोलता है कमेंट. जब कमेंट लिख रहा है तो आपको लिखना है सीए गिल्टी है या नहीं है. एडवाइस लिख रहा है तो आपको लिखना है सीए को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप ये नहीं लिखोगे सीए इज गिल्टी.
जब कमेंट लिखा हो तो आप गिल्टी है ये लिख के छोड़ सकते हो, आपको पेनल्टी बताने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे ना। सर एग्जाम में अगर कभी कोई क्लॉज भूल जाए तो क्या करना, गलत मत लिख के आ जाना, बेहतर है कि आप लिख देना एज पर द, फिर अगर आपको शेड्यूल याद है पार्ट याद है तो आप उतना कोट कर दीजिए, अदरवाइज आप सिंपली लिख दीजिए दैट एज पर द मिसकंडक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल्स टू द सी एक्ट। Never quote the wrong clause number, that gives a very wrong impression and it may lead to cancellation of marks. अब इसी बात है, क्लॉज नहीं कोट किया तो ऐसा नहीं कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये चार में से ये बात तो तय हो गई कि क्लॉज नंबर नहीं कोट किया, यू विल गेट इफ द आंसर इज करेक्ट मे बी टू, इफ इज वेरी वेरी ग्रेशियस मे बी थ्री, बट नॉर्मली नॉट मोर देन टू। ध्यान रखना जब भी आप क्लॉजेस पढ़ते हैं ये सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉजेस आपको लेटर और स्पिरिट दोनों में पढ़ना है, यानी जो लिखा है वही है लेकिन उसके लिखने के पीछे जो इंटेंशन है वो भी आपको ध्यान रखना है, बट नेवर ट्राई टू गो बियॉन्ड द क्लॉज। क्लॉज जो चीज समझा रहा है आपको वहां तक अपने आप को सीमित रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्लॉज में से, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज टू कहता है कि एक सीए कभी भी अपनी फीस किसी के साथ शेयर नहीं करेगा एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें एक एक्सेप्शन है मेंबर, वहां पे उन्होंने लिखा है आप मेंबर के साथ फीस शेयर कर सकते हो, ये नहीं लिखा है मेंबर इन प्रैक्टिस के साथ फीस शेयर कर सकते हो, यानी अगर आप वहां पे मेंबर इन सर्विस के साथ भी फीस शेयर करोगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेंबर लिखा है तो आपको मेंबर ही पढ़ना है, आप ये मत सोच लेना कि यहाँ इंटेंशन मेंबर इन प्रैक्टिस होगा, यानी जो लिखा है वही पढ़िए, उसके पीछे लॉजिक कारण क्या है समझ सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट। चलिए इसी बैकग्राउंड के साथ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑन क्लॉजेस। सबसे पहले शेड्यूल वन पार्ट वन, ये सारे क्लॉज किसके ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों? ये सब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस, यानी अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो ये पूरा पार्ट आपके कोई काम का नहीं है। आप प्रैक्टिस में हो लेकिन वो काम आपके प्रोफेशनल काम से रिलेटेड नहीं है तो भी इसमें कभी मिसकंडक्ट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर क्लॉज सिक्स कहता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी भी काम सॉलिसिट किया और उसके लिए कभी कोई एडवर्टाइजमेंट दी तो उसको गिल्टी माना जाएगा। अब एक सीए की शादी नहीं हो रही थी तो उसने पेपर में ऐड दे दिया पूरे पन्ने का कि भाई सीए कर लिया है, पहले अटेम्प्ट में किया है, फिर भी कोई हानि बोल रही है, क्या बात है? कोई है इच्छुक तो बताए कितने भी अटेम्प्ट चलेंगे, क्या उसे गिल्टी माना जाएगा एडवर्टाइज करने के लिए? वो तो सीए इन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जमी हुई है उसकी और वो ऐसा ऐड दे रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही वो सीए इन प्रैक्टिस है पर ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है, ये पर्सनल है, यानी वो इस पर्टिकुलर पार्ट से बाहर है। अदर मिसकंडक्ट में इससे इंस्टीट्यूट की कोई रेपुटेशन खराब नहीं होती है, इसलिए इसको अदर मिसकंडक्ट में भी नहीं डाला जाएगा। हाँ, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई पेपर में ऐड देता है और वो पेपर में दिया हुआ ऐड वो सी इन प्रैक्टिस है लेकिन वो उसके प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो अदर मिसकंडक्ट क्रिएट करता है, दैट मींस एक सीए ने पेपर में ऐड दे दिया कि एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू प्ले ब्लू वेल विथ मी प्लीज कॉन्टैक्ट। ये सी इन प्रैक्टिस है पर यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट उसको अदर मिसकंडक्ट में पकड़ लेगा क्योंकि ऐसी चीज करने से इंस्टीट्यूट की गरिमा पर इम्पैक्ट आता है। इस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है whether he is guilty or not। सबसे पहला क्लॉज बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्लॉज है दोस्तों, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भेज सकता। आपके यहां से आपके एम्प्लॉइज जाते हैं वो आपके बिहाफ पर वहां पे काम करने जाते हैं, वो आपके नाम से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप अपने नाम से किसे प्रैक्टिस करवा सकते हो? तो सपोज आपके क्लाइंट की कोई अपील है जो हैंडल करना है, आपकी फर्म को अपॉइंट किया गया है, आपको जाना था वहां पर, किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपके बिहाफ पे आप किसे भेज सकते हो? यू कैन ओनली सेंड अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज अ सीए इन प्रैक्टिस। यस, आपके बिहाफ पे आपके नाम पे कौन प्रैक्टिस कर सकता है? कोई दूसरा सीए इन प्रैक्टिस। तो कोई भी सीए इन प्रैक्टिस अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं? नहीं, वो सीए इन प्रैक्टिस की आपके साथ रिश्तेदारी या तो एक साझेदारी की होनी चाहिए या फिर एक Employ की। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों प्रोविजन। प्रोविजन क्या कहता है? A CA will be guilty of misconduct if he allows any person to practice in his own name unless such person is a chartered accountant in practice and
a CA in practice and his partner or employed by him. यानी या तो वो उसका partner है या employee है plus CA in practice है, तो आप उसको अपने नाम से represent करने के लिए, AGM attend करने के लिए, practice करने के लिए भेज सकते हो. ध्यान रखना दोस्तों, ये जो provision है, ये provision sign का नहीं है, represent अपने नाम पर किसी को practice करने के लिए भेजने का है. So this is nothing to do with your signing power, उसके लिए clause 12 है. ठीक है, चलिए ध्यान रखना, यहाँ पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होगी चलेगा. मेंबर इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच में हमने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्लॉज 2, 3, 4, दो तीन चार सर एक साथ, दोनों तीनों चारों वो क्लॉज आपस में रिलेटेड है. कैसे? क्लॉज 2 बोलता है इफ यू पे अलाउ अग्रीज टू पे और अलाउ एनी शेयर इन फीस प्रॉफिट्स of your professional business directly or indirectly to any person other than member, partner, retired partner, legal representative of deceased partner or members of specified professional bodies or specified professionals. Clause 2. पूरे clause में ध्यान क्या रखना है? Pays दे रहे हो. Clause 3 क्या है? Accepts किसी से ले रहे हो. Clause 4 क्या है? दे दिया किसी से ले लिया. शुरुआत ऐसे ही होती है. याद भी रखना बहुत सिंपल है. देखो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार टू पे था या टू एक्सेप्ट था. बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, शुरुआत किससे होती है? देने से. फिर उसके बाद क्या होता है? हमें कुछ मिलता है. और ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? पार्टनरशिप हो जाती है. देखो क्या सोच के बनाए इंस्टीट्यूट ने, सीरियल नंबर तक सोच के डाले. पेस एक्सेप्ट्स पार्टनर्स, टू पेस, थ्री एक्सेप्ट्स, फोर पार्टनरशिप. ऐसे आप दो तीन चार नंबर के क्लॉज याद रखोगे. क्लॉज 2 पर आते हैं दोस्तों, किसके बारे में बात करता है क्लॉज 2? इट सेज इफ अ सीए पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, इसका मतलब क्या है? हमने पे किया या किसी को पे करने का अग्रीमेंट किया या अलाउ किया या किसी को पे करने के लिए अलाउ किया. क्या अपने फीस या प्रॉफिट्स में शेयर? कौन सी फीस और प्रॉफिट? जो आप प्रोफेशनल बिजनेस से कमा रहे हो. कैसे सर? परसेंटेज देकर. हां, परसेंटेज की बजाय काइंड में, किसी भी तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको गिल्टी माना जाएगा. बेसिकली क्लॉज इसलिए बनाए हैं कि आप कहीं पर भी रिश्वतखोरी ना करें, या यूं समझ लीजिए कि आप शेयरिंग ना करें. किसी कंपनी ने हमको बुलाया और बोला कि हमें आपको इंटरनल ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट देना है, बताइए आपके पास क्या है. हमने बोला हमारे पास जज्बा है, हमारे पास टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. उन्होंने बोला आउट. अपना दोस्त गया, उससे पूछा तुम्हारे पास क्या है, उसने बोला 25%. कंपनी ने बोला समझ नहीं आया, उसने बोला 30%. कंपनी ने बोला क्या बोल रहे हो, उसने बोला 40%. उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. He said कि मुझे जितनी फीस मिलेगी उसका 40% मैं आपको इनडायरेक्टली दे दूंगा, CFO साहब कंपनी का ऑडिट मुझे दे दो. उसे गिल्टी मान लिया जाएगा. किसे? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बिकॉज ही इज पेइंग अ शेयर इन हिज फीस डायरेक्टली टू अदर पर्सन. कई बार आप क्या करते हो, खुद देने की बजाय किसी पार्टनर को बोलते हो, भाई नया पार्टनर आया तू अलाउ कर दिया, तेरे को तू दे देना, फंसेगा तो तू फंसेगा. तो वो तो फंसेगा, आप फंसोगे. क्यों? क्योंकि आपने अलाउ किया. कई बार आप अग्रीमेंट करते हो, भले ही पेमेंट बाद में ना करो तो भी आपको गिल्टी मान लेंगे. मैंने एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट को कहा कि भाई तुम्हारे पास जितने भी रिटर्न्स के लिए लोग आते हैं ना, हमारे पास भेजो ना, टैक्स ऑडिट हम कर देंगे, फीस का 20% तुम्हारा. उसने बोला ठीक है. उसने बहुत लोगों को भेजा, हमने बहुत टैक्स ऑडिट इस साल किया. फिर उसने बोला पैसे दो. हमने बोला यार भाई नहीं दे पाएंगे, मिसकंडक्ट हो जाएगा. उसने बोला मिसकंडक्ट तो पहले ही हो चुका है क्योंकि तुम अग्रीमेंट कर चुके. हमने पूछा उससे, सीए फाइनल दिए थे, उसने भी बहुत अटेम्प्ट नहीं हो पाया. मुद्दे की बात क्या है? इवन इफ यू मेक एन अग्रीमेंट टू पे टू एनीबडी अ शेयर इन फीस, यू विल बी गिल्टी. ऐसे क्लॉज को क्या किया गया? एक तरह से वॉटर टाइट बनाया गया है कि हर तरह की इस तरह के एक्ट्स कवर किए जा सके. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है आप किसी को ये बोलो कि यार तुम मुझे काम दे दो, बदले में मैं तुम्हें साल के 1,00,000 रुपए दे दूंगा, या मैंने तुम्हें एक गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया. ऐसी किसी भी तरह की अगर आप क्या करते, कोई भी
इनडायरेक्टली भी अगर आप कोई कंसिडरेशन दोगे तो भी गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। तो सर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पार्टनर के साथ कर सकते हैं, रिटायर्ड पार्टनर के साथ भी अलाउड है करना। यू आर ऑल्सो परमिटेड टू शेयर फीस विथ एनी मेंबर, नॉट जस्ट अ मेंबर इन प्रैक्टिस बट एनी मेंबर। सिमिलरली यू आर अलाउड टू शेयर विथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ए बी और एक्स ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, एक्स अब एक्स हो गए, तो फर्म चाहती है कि अब भाभी जी मिसेज एक्स का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो हम उनको एक कंसिडरेशन देना चाहते हैं, जो प्रॉफिट एक्स को देते थे भाई साहब को, मिसेज एक्स को ए और बी खुद जाके दे के आते, क्योंकि अब इस भाभी जी का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। क्या वो दे सकते हैं? हाँ, भले ही भाभी जी मेंबर नहीं है, क्या ये शेयरिंग अलाउड है? हाँ, किस नाते से? एल आर ऑफ डिसीज पार्टनर। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये पहले से डीड में लिखा गया हो, नॉट अदरवाइज। और एक स्पेशल प्रोविजन है यहां पर कि अगर किसी प्रोपराइटरशिप फॉर्म में प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म का जो नाम रहता है दोस्तों यूनिक रहता है। इंस्टीट्यूट एक सीए फॉर्म का नाम एक ही फॉर्म को देता है, दूसरे के पास वो नाम नहीं होगा। अब वो यूनिक नाम है, उसकी गुडविल है, उसकी डेथ हो गई प्रोपराइटर की या पार्टनर थे सबकी डेथ हो गई, तो फिर भाभी जी बोलेंगे कि यार मुझे गुडविल बेचना है किसी दूसरे सीए को। क्या किसी दूसरे सीए को गुडविल बेची जा सकती है? अलाउड है। डेथ होने से एक साल के अंदर अंदर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस फॉर्म की गुडविल किसी भी दूसरे सीएन प्रैक्टिस को बेच सकता है, सीएन प्रैक्टिस उसके लिए पैसे भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि सीएन प्रैक्टिस लमसम कंसिडरेशन गुडविल की दे सकता है। सीएन प्रैक्टिस ये नहीं बोल सकता कि भाभी जी आगे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें आप ये समझ लिए वो प्रॉफिट हमारे भी और आपके भी हैं, 20% 25% आपका शेयर, नॉट अलाउड। गुडविल के पैसे हो सकते, शेयर इन प्रॉफिट्स नहीं होगा। कौन नहीं दे सकता? जिसने हमसे गुडविल खरीदी है। खरीद कौन कर सकता है? एनी सी इन प्रैक्टिस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। भाभी जी गुडविल बेचने जा रही है और पड़ोसन आ गई और उसने बोला कि तुम कैसे बेचोगी, एलआर तो मैं हूं। भाभी जी ने कहा खामोश, पड़ोसन ने कहा मालूम था तुम ऐसा ही बोलोगी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं पड़ा। क्या छोड़ो, झगड़ा है तो फिर आप इंस्टीट्यूट को बता दो कि भाई झगड़ा है, अभी झगड़ा रिजॉल्व हो जाने तक फिर इंस्टीट्यूट एक साल काउंट नहीं करेगा, यानी फिर झगड़ा रिजॉल्व होने के एक साल में आप गुडविल बेच सकते हो। अगर आपने नहीं बेची तो फिर इंस्टीट्यूट आपके रजिस्टर ऑफ फॉर्म से आपका नाम कट कर देगा, फिर जो सबसे पहले आके अप्लाई करेगा उस फॉर्म नेम को उसको दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया और इंस्टीट्यूट ने 8 बॉडीज के साथ, उनके प्रोफेशनल्स के साथ आपको शेयर इन फीस देना, उनसे लेना और पार्टनरशिप करना सब परमिट कर दिया। 8 बॉडीज में कौन कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सीए के साथ सीएस होगा, सीएमए होगा, एडवोकेट होगा, एक्चुअरी होगा। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स, बीटेक, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ हो सकता है हम पार्टनरशिप करें। आर्किटेक्ट्स, वेरी स्ट्रेंज बट होता है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्म बनाई जाती है कि भाई आप आइए और हम आपको कंस्ट्रक्शन से लेके कंप्लायंस तक की सारी सर्विस देंगे, तो आर्किटेक्ट्स। और एमबीए, एमबीए के साथ भी पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ फीस अलाउड है? हाँ अलाउड है। सर ऐसा क्यों? यू समझ लो ये अपना सीएसआर है कि बेचारों को थोड़ा सपोर्ट देना है, तो इंजीनियर एमबीए इन लोगों को बोले यार आजा यार तू शेयर ले, ऐसा नहीं बोलते है ना। एनीवेज, तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फीस शेयरिंग के प्रोविजंस हैं आपके, इस तरह से फीस शेयरिंग करी जा सकती है इन कुछ लोगों के साथ, बाकी किसी के साथ भी अलाउड नहीं है। सेल ऑफ गुडविल पढ़ लिया, 8 प्रोफेशनल्स मैंने आपको बता दिया। चले नाउ लेट अस कम टू क्लॉज 3। क्लॉज 2 क्या था? पेस, तो क्लॉज 3 क्या है? एक्सेप्ट। ये सिंपल क्लॉज है, सिंपली क्या था, इफ यू एक्सेप्ट और अग्री टू एक्सेप्ट एनी शेयर इन फीस ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन अ मेंबर और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। यहां पे एक्सेप्शन दो ही है, मेंबर और वो 8 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। इनके अलावा आप किसी भी दूसरे के बिजनेस में उससे फीस में शेयर नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार LIC एजेंट मेरे क्लाइंट्स को मैं भेजूंगा तेरे पास, तू उनको LIC देना और तेरे कमीशन में शेयर मुझे दे देना, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी और की फीस में शेयर, आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। क्लॉज 4 पार्टनरशिप, एक सीए किसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है? सीएन प्रैक्टिस। हाँ करेक्ट,
What professionals? हाँ, correct. इसके अलावा any other person who's qualified to be a member but for his resident abroad. यानी ऐसा व्यक्ति जिसने सीए के एग्जाम वगैरह सब क्लियर कर लिए पर उसका परमानेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है इसलिए उसको मेंबरशिप नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो. तो किसी ने सीए किया, दुबई शिफ्ट हो गया, परमानेंट रेसिडेंस वहीं का है, मेंबरशिप नहीं मिल पाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू आ जा हमारे साथ प्रैक्टिस कर ले. और इसके अलावा काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी बॉडीज जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो. आज की तारीख में दोस्तों इंस्टीट्यूट ने 4 बॉडीज के साथ एमओयू एमआरए किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स बोलते हैं एमआरएस, 4 इंस्टीट्यूट के साथ. ये आपको चारों याद रखना है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ पेनिसलिविया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ आयरलैंड, चौथा इंस्टीट्यूट ऑफ कैनेडा, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ कैनेडा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, सो ऑन. ये 4 इंस्टीट्यूट के साथ हमारा एमओयू एमआरए है, जिसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि उन लोगों को अगर इंडिया में आके किसी सीए के साथ पार्टनरशिप करना है तो उनको अलाउ करते हैं, प्रोवाइडेड उनको कुछ पेपर्स क्लियर करना पड़ते हैं और फिर उनको परमिशन दी जाती है कि दे कैन ऑल्सो एक्ट एज मेंबर्स इन इंडिया. सिमिलरली हम लोग वहां जाके वहां कुछ पेपर्स देकर वहां की डिग्री लेके उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं. तो क्लॉज क्या बोलता है, इफ यू एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया. इन और आउटसाइड इंडिया का मतलब एक बात बताइए, कोड ऑफ एथिक्स कहां लगता है दोस्त, भारत में या भारत के बाहर? तो अगर आप सीए हो और सीए गिरी करो तो कहीं भी करोगे आपके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लगेगा. ऑब्वियसली बात है, आप सीए हो, सीपीओ और यूएस में जाके सीपीए की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा, पर एज अ सीए आप यूएस में भी प्रैक्टिस करने जाओगे तो कोड लगेगा. इसलिए बोला इफ यू एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन मेंबर, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर अंडर सेक्शन 4 एक्सेप्ट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड, members specified by central government or the council, the 4 organizations where we have done an MOU MRA, or members of specified professional bodies or specified professionals, those 8 professionals. Inke alawa aap kisi aur ke sath partnership nahi kar sakte, not allowed. To kya main ek required income tax commissioner ke sath, ek income tax consultant ke sath partnership kar sakta hun? Nahin, guilty maan liye jayenge. Chik hai? 2-3-4 फिर आते हैं 5-6-7 में. 5-6-7 आर ऑल रिलेटिंग टू सिक्योरिंग वर्क. 5 इज अ बेसिक क्लॉज हार्डली रेफर्ड टू इन द एग्जाम्स, जो बोलता है कि इफ यू सिक्योर एनी वर्क थ्रू सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन अदर देन योर एम्प्लॉय और योर पार्टनर और थ्रू एनी मीन्स विच आर प्रोहिबिटेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिल्टी. क्लॉज 6 बोलता है दैट इफ यू सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क through interviews, personal communications, advertisements, circulars or any other means, you will be guilty. हालांकि उसमें 2 exception है, tenders में apply करना और professional भाइयों से काम मांगना, professional brothers, chartered accountants. और clause 7 बोलता है if you advertise your professional attainments or designation, use designation other than chartered accountant, then you will be guilty. However, clause 7 में write-up के through आजकल advertise करने की permission दी गई है. दोस्तों, clause 5 बोलता है directly आप क्या कर रहे हो, work secure कर रहे हो. 6 क्या बोलता है, आप solicit कर रहे हो, लोगों से जा जाके काम मांग रहे हो या client मांग रहे हो. 7 क्या बोलता है, आप काम मांग नहीं रहे हो पर बड़ाई कर रहे हो. मैंने बोला आओ यार batch करो, क्लास 5 सॉलिसिट, इनफैक्ट मैंने डायरेक्टली वर्क सिक्योर करने की कोशिश की. मैंने आपसे बात करी इंडिविजुअली, सॉलिसिट किया आपको, दैट इज क्लास 6. मैंने कहा ओ क्लास में से फॉर एग्जांपल लेक्चर में लेके आया मैं, मोहित अग्रवाल हमारा एक स्टूडेंट था, टॉप करा था उसने भारत में, ऑल इंडिया हाईएस्ट 85 मार्क्स लेके आया था. मैं लेके आया, मतलब मोहित आया है हमारे पास, देखिए मिलिए मोहित से,
मोहित बताइए कितने मार्क्स आए आपके सीए फाइनल ऑडिट में? सर 85 मार्क्स। वेरी गुड, तालियां। मोहित बताइए आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर पूरी तरह से आपको। वेरी गुड मोहित, तालियां। क्यों आपको ऐसा लगता है? सर आपने क्या पढ़ाया? अच्छा आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं यहाँ पे बैठे स्टूडेंट जी यूट्यूब पे देख रहे इतने सारे स्टूडेंट्स को? हाँ सर मैं सबको बोलना चाहता हूँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सब सर की मेहनत है, एवरीबडी शुड ज्वाइन द बैच। अरे नहीं मोहित तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। नहीं सर वाकई दिस इज आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, आई एम एडवर्टाइजिंग माई अचीवमेंट्स इन डायरेक्ट फॉर्म, जिसको बोलते पब्लिसिटी। ये सब प्रोहिबिटेड मीन्स है। तो 5, 6, 7 इस तरह से डिवाइड किया गया। तो बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है एग्जाम में 5 कब लिखना, 6 कब लिखना, 7 कब लिखना। इसका सोल्यूशन क्या है? 5 तो लिखने में ही नहीं आता है, 6 और 7 आते हैं। 6 कब आएगा? जब तुम सॉलिसिट करोगे। 7 कब आएगा? जब तुम एडवर्टाइज, क्या एडवर्टाइज करोगे? अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। चले क्लॉज 5, सिक्योर्स ईदर थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉई और अ चार्टर्ड अकाउंट, सॉरी नॉट एन एम्प्लॉई और हिज पार्टनर by means which are not open to a CA, any professional work, however clause 2, clause 3, clause 4 में जो जो allow किया है वो सब चलेगा। clause 2, 3, 4 में क्या allow किया था? कि आप वो 7-8 professionals के साथ sharing कर सकते हो, उसमें कोई problem नहीं। basically clause 5 क्या कहता है? don't secure work। हाँ आपका कोई employee आया उसने बोला कि मेरे relative को कुछ काम कराना है अपनी firm से करवा ले, क्या कोई problem। कोई पार्टनर है अपना उसने बोला कि यार मेरे रिलेटिव्स हैं उनका ऑडिट करना है अपन फॉर्म में ले लें, क्या कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें भी आप ध्यान रखना, यू शुड नॉट यूज मींस व्हिच आर नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी ऐसा नहीं आप एसएमएस भेजना शुरू कर दो अपने रिलेटिव्स को कि बताइयो आपका भाई सीए बन गया है, कुछ लगे तो हमें बताना। दिस इज नॉट करेक्ट। चलिए नाउ लेट अस कम टू क्लॉज 6। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज, इसको रेफर करेंगे। क्या बोलते हैं? सबसे पहला एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में क्लॉज कोट करने का बेसिक फंडा क्या है। पहला शब्द ध्यान रखना, शुरू कहां से होता है। 6 कहां से शुरू होता है? सॉलिसिट्स क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। 7 कहां से होता है? एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और यूजेस डेजिग्नेशन। 5 क्या है? सिक्योर्स वर्क थ्रू सर्विसेज ऑफ। तो इनिशियल पार्ट याद रखोगे ना तो पूरा क्लॉज बनेगा आपका। ये क्या बोल रहा है? इफ यू सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाय सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज और एनी अदर मीन्स। तो इफ यू बेसिकली सिक्योर इट थ्रू द वर्क ऑफ सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज और एनी अदर मीन्स, वॉट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, यू विल बी गिल्टी। हाउएवर नथिंग हियर विल बी कंस्ट्रूड टू प्रिवेंट और प्रोहिबिट फ्रॉम टू थिंग्स, अ सीए फ्रॉम इनवाइटिंग वर्क फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल कलीग और रिस्पॉन्डिंग टू एनी टेंडर्स और इंक्वायरीज। कोई हमसे पूछे आके कि यार ये काम करोगे, हम जवाब दे सकते हैं। पेपर में इश्तिहार आए कि हमें सीए चाहिए, हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद आगे जाके अपने सीए भाई से काम मांग सकता हूं। आप सीए बन गए, उसके बाद आपने क्या किया? जॉब, प्रैक्टिस, क्या करोगे? जॉब लग गई तो जॉब, नहीं लगी तो प्रैक्टिस, नहीं जमी तो कोचिंग। अरे मेरी लग गई थी, आईटी सिम 3 साल काम किया मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तभी तो थोड़ा बहुत ऑडिट सीखा अपन ने प्रैक्टिकल लाइफ का। आई वॉज इन दर इंटरनल ऑडिट एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर 3 years बेस्ड आउट ऑफ कैलकटा, एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर यू नो लॉट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ लॉट ऑफ दर डिविजन्स, एंड आई ऑल्सो काइंड ऑफ डिड ऑल योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल योर accounting standards, IFRS, because they had some international subsidiaries at that point of time, consolidation, all that. So whatever little bit knowledge which I have, I think jitna bhi chhota mota gyan maine arjit kiya hai practical life mein, uska ICI ke baad agar sabse bada uska shrey agar kisi ko jana chahiye to possibly it should be ITC only. Anyway, so अगर आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते हो और आप अपने जहां पे सीए के यहां काम करते थे आर्टिकल चीफ, उससे काम लेने जाओ तो क्या ये कुछ गलत होगा? नहीं, वो बात अलग है, वो तुमको देगा नहीं। वो पहले बोलेगा तुम छुट्टी पूरी करी नहीं, तूने भाग गया था, तू फॉर्म 108 साइन करा के चल पहले काम कर, बाकी आप जा सकते हो काम मांगने, SMS भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्लॉज 6 को मैंने क्या किया आप लोगों के लिए। क्लॉज 6 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उस सारे प्रोविजन यहां पे मैंने लाइन से लिख दिए, एक एक करके क्विकली हम इन सारे प्रोविजंस को रिकैप कर लेंगे। राइट, सो व्हाट आर द प्रोविजंस, लेट अस सी दीस प्रोविजंस क्विकली। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एंड नोट्स इन द प्रेस। एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे क्लॉजेस हैं, कुछ 6 में कुछ 7 में। मैंने आपके लिए क्या किया, सारे क्लॉज को इकट्ठा करके एक जगह लेकर आ गया।
क्विकली मैं एडवर्टाइजमेंट के क्लॉज आपको बता देता हूं. सबसे पहली बात, एक सीए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या काम मांग सकता है? तो पहली बात नहीं. ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन होंगे. क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहले एक सीए पेपर में अगर कभी ऐड देना चाहे स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए कि भैया हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आर्टिकल चाहिए, सीए चाहिए, पार्टनर चाहिए, चलेगा. बी, आप कोई क्लाइंट के बिहाफ पर ऐड दो फॉर्म के नाम के साथ, चलेगा. मुझे लिक्विडेटर अपॉइंट किया, उसकी संपत्ति बेचनी है, तो मुझे ऐड देना ही पड़ेगा कि भाई हम ऑक्शन करेंगे इस तारीख पर, ये सीए का ऑफिस है, यहां पर ऑक्शन होगा, इंटरेस्टेड लोग आए, ये भी चलेगा क्लाइंट बिहाफ. थर्ड, मेंबर जर्नल में आप एडवर्टाइज कर सकते हो, वहां पे आप सीए प्रोफेशनल कलीग से काम मांग सकते हो, पर वहां पर इंस्टीट्यूट फॉर्म नेम देने की परमिशन नहीं देता है. थर्ड, फोर्थ, क्लॉज 7 में अब अलाउ किया गया है कि अब आप बाय मींस ऑफ अ राइट अप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइज कर सकते हो रिटर्न फॉर्म में. 14 फॉन्ट साइज से ज्यादा का आपका एड साइज, कोई भी फॉन्ट साइज नहीं होगा, सेंसेशनल नहीं होना चाहिए एड, सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव्स यूज नहीं करना, बेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट फॉर्म, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फॉर्म, ऐसी कोई बात नहीं करना. बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी फर्म के बारे में, इंफॉर्मेशन आप कितने पार्टनर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, किस तरह के असाइनमेंट हैंडल करते हैं, क्लाइंट नेम नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते, फर्म का रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप नंबर देना पड़ता है. फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज अपने दे दीजिए, बाकी कोई फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं है. इस तरह का राइटअप के थ्रू वर्क सॉलिसिट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, जी हाँ, अलाउ किया इसको भी 2006 में ही अमेंडमेंट आए थे. This was also permitted 2006 and 2009. These amendments were introduced. इसके अलावा कभी आपका ऑफिस चेंज हो रहा है या पार्टनर्स चेंज हो रहा है, आपने सुना होगा कई बार नया पार्टनर आता है या रिटायरमेंट में हमें ऐड देना होता है, ऑफिस चेंज होता है तो लोगों को बताना है, तो भी आप ऐड दे सकते हैं. बट ध्यान रखें उस ऐड का नंबर ऑफ इंसर्शन और साइज और कंटेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ऑफिस चेंज हुआ, छोटा सा इश्तिहार दे दो, सूचना आर ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम Our office has shifted from mall X floor 1 to floor 4. इस तरह का कोई ऐड दे दीजिए, चलेगा. पर ऐसा नहीं कि आप रोज दे रहे हो या बहुत बड़े साइज का दे दिया या उसमें आपने इनॉग्रेशन कराया. अपन ने ऑफिस खोला, उसका इनॉग्रेशन कराया, इनॉग्रेशन के लिए अपन ने सनी को बुलाया दिवल और उसका फोटो अपन ने अपने साथ लेके छाप दिया, ये सब नहीं चलेगा. नो सेंसेशनल कमेंट्स, इंफॉर्मेशन, राइट? तो कंटेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देना परमिटेड है. प्लस एक सीए किसी दूसरे सीए से काम मांगने के लिए सीए सीए में आपस में एसएमएस या इस माध्यम से एडवर्टाइज कर सकता है. पहले एक पीओ बॉक्स नंबर कंसेप्ट चलता था पोस्ट ऑफिस में, एक बॉक्स ले लो आप, उसका एक नंबर होता था. तो आपने लिया पीओ बॉक्स नंबर 143, तब इंदौर में अपना ऑफिस है, बहुत सारी डाक आती थी, अब तो ईमेल्स आते हैं. तो हमने पहले क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाके बोला कि यार लोग हमारा पूरा एड्रेस नहीं लिख पाते, तो आप एक काम करो, फास्ट का एक पोस्ट ऑफिस में बॉक्स फिक्स कर दो. उन्होंने नंबर दे दिया 143, सुनहरा नंबर था. मैंने लोगों को बोला जिसको अब हमको लेटर भेजना है वो सिर्फ लिखे फास्ट पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 143 इंदौर, तो सीधे वहां पे लेटर इंदौर में आएगा और उस बॉक्स में डाल दिया जाएगा, मैं ताला खोल के निकाल लूंगा. तो मैंने पेपर में ऐड डाल दिया और उस ऐड में मैंने सिर्फ पीओ बॉक्स नंबर दे दिया और अपना नाम वाम कुछ भी नहीं दिया. सीए फॉर्म की बात करते हैं, ये तो फास्ट की हो गई. तो सीए फॉर्म ने अपना नाम वाम कुछ भी नहीं दिया और उसने बोला मैंने फॉर्म का नाम तो दिया नहीं तो ये एडवर्टाइजमेंट परमिटेड. हमने बोला यार कोई भी तरीके अपना लो, एडवर्टाइजमेंट परमिटेड नहीं है. ठीक है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, 14 फॉन्ट साइज वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्लॉज 7 में दिया गया है. स्टाफ रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स क्लॉज 7 में है. क्लाइंट के बिहाफ पे अगर आप कुछ एडवर्टाइज करते हैं तो वो भी क्लॉज 7 में, बाकी सारे प्रोविजंस क्लॉज 6 में दिए गए. नेक्स्ट, एम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट वर्क. क्या एक सीए एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है. एम्पैनलमेंट का मतलब आप समझते हो, कई बार कंपनी एक पैनल बना लेती है कि भाई काम आएगा तो इनमें से किसी ऑडिटर को देंगे. आप अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको पहले से पता है वहां एम्पैनलमेंट चल रहा है. आप रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकते कि एम्पैनलमेंट चल रहा है तो मुझे आप अप्लाई कर, इसमें एम्पैनल कर लीजिए. एक बार आपका एम्पैनलमेंट हो जाए फिर आप उनसे पूछ सकते हो मुझे कोई काम मिला है क्या, पर आप ये नहीं लिख सकते कि प्लीज मुझे कुछ काम दीजिए.
बैंक ऑडिट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जहां पे आपको किसी बैंक की पैनल में एम्पैनल किया जाता है. आपको पता है एम्पैनलमेंट चल रहा है, आप अप्लाई कर लीजिए और हो गए तो पूछ लीजिए कोई वर्क अलॉट हुआ है क्या, पर ये नहीं पूछना प्लीज हमें वर्क अलॉट करो. नेक्स्ट, टेलीफोन डायरेक्टरीज में पब्लिश कर सकते हैं. हाँ, जैसे बाकी सब सीए फर्म्स के नाम आ रहे हैं वैसे आपका भी आ सकता है, अपडेटेड हो गई चीजें. इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरीज जो होती है, जस्ट डायल जैसी, सुरेखा डॉट कॉम जैसी, ये सब भी यूज कर सकते हैं. जस्ट डायल, सुलेखा डॉट कॉम, आप ये सब होते हैं. बस यही ध्यान रखें कि इसमें आप जो बेसिक लिस्टिंग है वो लेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट वाली है, यू कैन नॉट टेक बियॉन्ड दैट. टेंडर्स में अमेंडमेंट आया था इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुन लो. कभी पेपर में इश्तिहार आए, कोई टेंडर आए कि हमें सीए की सर्विसेज चाहिए, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई बार होता है लोग टेंडर में फीस लिखते हैं कि अप्लाई करने के लिए इतने रुपए की फीस दीजिए, क्या मैं वो फीस पे कर सकता हूं. सुन लो, ए, अगर वो टेंडर सीए नॉन सीए सबके लिए ओपन है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अप्लाई करो, फीस देना है फीस दो. बी, अगर वो सिर्फ ऐसी सर्विसेज का है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, अटेस्टेशन वर्क विच ओनली अ सीए डज, तो फिर उस केस में आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, टेंडर फीस कुछ भी पे नहीं करोगे अनलेस उस टेंडर में एक मिनिमम फीस दी गई है. यानी टेंडर में लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑडिट फीस इतनी रहेगी, आप इच्छुक हैं तो अप्लाई करें और 1000 रुपए का एक टेंडर फॉर्म लेकर उसमें भर दीजिए तो आप अप्लाई कर सकते हो. मिनिमम फीस नहीं है तो फिर आप कोई टेंडर में फीस नहीं दे पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर केस. तो बेसिकली फंडा यहां पर क्या है, मिनिमम फीस है तो अप्लाई करोगे, मिनिमम फीस नहीं है नहीं करोगे. अप्लाई कर सकते हो तो उसमें आपको अगर कोई टेंडर फीस, अर्नेस मनी, डिपॉजिट कुछ भी देना है तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सीए नॉन सीए सबके लिए ओपन है, बिंदास अप्लाई करो. ठीक है, बेसिक लॉजिक क्या था, पहले लोग क्या करते थे, टेंडर ओपन करने के नाम से सीए से एप्लीकेशन बुलवा लेते थे और प्राइस निगोशिएट करते थे खूब कि लगाओ बोली, जो सबसे कम बोलेगा उसको काम देंगे. तो इससे फिर क्या होता है, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, इसलिए बोल दिया टेंडर में अप्लाई तभी करना जब कोई मिनिमम फीस है. हाँ, सीए नॉन सीए दोनों के लिए दिया हुआ है कोई काम, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूट बोलता है फिर तो हम रेगुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो काम दूसरों को मिल जाए. क्या एक सीए बुक आर्टिकल लिख सकता है? हाँ, बस ध्यान रखना उसमें फॉर्म का नाम नहीं आना चाहिए, खुद का नाम, खुद की डिटेल, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, पर्सनल आ सकते हैं, फॉर्म का कुछ भी नहीं आना चाहिए. काम मांगने की गलती मत करना. क्या एक सीए फॉर्म के नाम से ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भेज सकता है? हाँ भेज सकता है, पर ये सिर्फ किसको जाना चाहिए? क्लाइंट, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स. ऐसा नहीं पेपर में इश्तिहार दिया, दिवाली की बधाई. इट शुड बी सर्कुलेटेड ओनली टू नोन पर्संस. वेडिंग इन्विटेशन में भी आप अपनी फॉर्म का नाम डाल सकते हो. कई बार होता है ना लड़की की शादी, अपन ने लिखा वहां प्रतिष्ठान में, फॉर्म का नाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड सर्कुलेशन उसका जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. क्लोज फ्रेंड्स की कोई परिभाषा नहीं है, जनरली नॉन पीपल को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो ये भी एक ऐसी जगह हो गई जहां फर्म का नाम अलाउड है. रोविंग इंक्वायरी का मतलब बेनतियां पूछना, टेलीकॉलिंग करवाना, लेटर्स भेजना, ईमेल्स भेजना, पुश मोड कि भैया आपको काम चाहिए क्या. ये सब क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, लोन देने वाले, ये सब तरह के लोग करते हैं. सीए को ये सब शोभा नहीं देता, गिल्टी माने जाओ. पर्चे मत बटवा देना कभी, भूल के भी हैंड बिल्स इश्यू नहीं करना. प्रोफेशनल कोलिग से काम मांगने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. मैंने मेरे सीए से काम मांगा, सीए ने मुझे कुछ काम भी दिया. मैंने उसी क्लाइंट को जो उसका स्टॉक ऑडिट का काम था मैंने कर दिया. सीए 10,000 लेता था उस पर्टिकुलर ऑडिट के. क्लाइंट ने मुझे बोला यार तुम ही कर देना अगली बार 6,000 में. मैंने बोला बहुत बढ़िया, कर लें क्या. अगर किसी प्रोफेशनल कोलीग सीए ने आपको किसी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस कराया और आपको कोई काम दिलवाया है तो वो वाला काम उस क्लाइंट से आप डायरेक्टली कभी भी नहीं लोगे. आप उसे कहोगे कि आप सीए को दो, मैं सीए के बिहाफ पे ही वो काम करूंगा. कोई नया काम अगर क्लाइंट आपको देना चाहे तो आप ले सकते हो. सेम वर्क, यू शुड आस्क हिम टू कम डायरेक्टली टू दैट सीए. वो सीए हाँ कर दे तो बात अलग है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट को कई बार एजीएम में बोलने का मौका दिया जाता है जब उसको हटाया जाता है. ध्यान रखना वहां पे जब आप बोलोगे तो यू शुड नॉट पास एनी डेरोगेटरी रिमार्क्स और अनसब्सटेंशिएटेड रिमार्क्स. कंपनी आपको हटा रही है,
और किसी और को ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, आपको बोलने का मौका दिया, सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर 140। आप गए और आपने शुरू हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस में चतुर्वेदी एंड शाह को हटा दिया गया सपोज, और कोई दूसरी फर्म को ले आए, तो चतुर्वेदी जी गए और उन्होंने क्या किया, माइक थामा और शुरू हो गए, इतने से थे धीरू भाई जो पहली बार हमारे पास आए थे, ये वाली उंगली पकड़ी थी हमारी, बोला था भाई हमें संभाल लीजिए, प्लीज कंपनी बना दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, हमें कुछ नहीं आता, तब हमने उनका साथ थामा था और कहां से कहां पहुंचाया। और आज ये उनका लड़का जो अपने भाई से लड़ लिया, आज हमें बाहर करेगा, जाओ हम खुद छोड़ते हैं इस ऑडिट को। क्या बताएं, क्या क्या नहीं किया रिलायंस के लिए, कितनी चीजें नहीं छुपाई आप लोगों से, ये सिला दिया उसका, आज धीरू भाई भी ऊपर से देख रहे होंगे, तो देखना बारिश जरूर होगी। चलो यार रिवीजन लेक्चर, अपन बहुत ऐसी बातें नहीं करते, ये सब अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, इस माहौल से पढ़ते। खैर, तो इस तरह का कमेंट पास करके आप क्या कर रहे हो पता है, उनको नीचा यानी अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हो। इसलिए कहा गया है कि जब भी आपको रिमूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन में, यू शुड नॉट पास डेरोगेटरी रिमार्क्स और अनसबस्टेंशिएटेड, बेबुनियाद या अपमानजनक टिप्पणी करने की क्लाइंट पर आपके पास परमिशन नहीं है। अगर ऐसा किया तो दोस्तों गलत तो यह है, पर क्लॉज 6 याद रखना, क्योंकि क्लॉज 6 एकदम से दिमाग में नहीं आता इस चीज में, क्योंकि लगता है यार गलत बोल रहे हैं तो अदर मिसकंडक्ट है, पर सोच ऐसी है कि गलत बोल के आप इनडायरेक्टली अपने आप को बेहतर दिखा के लोगों से काम मांग रहे हो, इसलिए यह करना यहां पर प्रोहिबिटेड है। तो नो पब्लिसिटी, नो अनसबस्टेंशिएटेड रिमार्क्स, नो डेरोगेटरी कमेंट्स। पब्लिक इंटरव्यूज के लिए क्या आप आ सकते हैं, हम कोई एक पब्लिक का सेटअप है उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया चलेगा। अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट नहीं करना, फॉर्म का नाम हाईलाइट नहीं करना, सर्विसेज वर्क सिक्योर नहीं करना। दोस्तों ध्यान रखना, टीवी और रेडियो इंटरव्यूज क्लॉज 7 में आते हैं, पब्लिक इंटरव्यू क्लॉज 6 में आता है। टीवी रेडियो इंटरव्यूज में ध्यान रखना, वहां पे फॉर्म का नाम देना परमिटेड ही नहीं है, ध्यान रखना है, सब सीएन प्रैक्टिस के लिए। कई बार आपने देखा होगा आता है लिखा हुआ द पर्सन इज डायरेक्टर विद प्राइस वाटर हाउस, वो एम्प्लॉई है, वो पार्टनर नहीं है, वो सीएन प्रैक्टिस नहीं है, एम्प्लॉई के ऊपर ये क्लॉज नहीं लग रहा है, वो लिख सकता है। आप पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हो, आपने किताब छापी लिख दिया पीछे आई एम वर्किंग इन पीडब्ल्यू प्राइस वाटर हाउस, चलेगा, पर प्रैक्टिसिंग सीए ये सब नहीं कर सकता। तो टीवी और रेडियो में तो फर्म का नाम ही नहीं दे सकते, पब्लिक इंटरव्यू में हाईलाइट नहीं कर सकते, बेसिक डिटेल में दिया जा सकता है। तो टीवी और रेडियो यानी मास मीडिया हो गया, पब्लिक इंटरव्यू यानी एक सेट ऑफ पब्लिक के सामने हो गया। टीवी रेडियो क्लॉज 7। चलिए क्लॉज 6 में आखिरी प्रोविजन है वेबसाइट, क्विकली सुन लीजिए। वेबसाइट एक सीए बना सकता है, पोर्टल पेज कुछ भी बना सकता है, साइज कलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पुल मोड पे होगी, पुश मोड पे नहीं होगी। फर्म का नाम उसमें दिया जा सकता, ऑब्वियसली दिया ही जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाएगी, क्या काम आप करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, नेचर ऑफ सर्विसेज क्या देते हैं, ये सब दे सकते हो। नेचर ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड कैन बी गिवन अंडर पुल रिक्वेस्ट, पूछने पर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिए जा सकते हैं, पार्टनर्स के कितने पार्टनर, एम्प्लॉयज उनके क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये दिए जा सकते हैं। फर्म का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया जा सकता है, कब बनी फर्म, क्लाइंट का नाम, फीस नहीं दे सकते। प्रोफेशनल आर्टिकल्स दे सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल आर्टिकल्स नहीं दे सकते। अपनी साइट में किसी दूसरी साइट का लिंक नहीं दे सकते सिवाय आईसीआई और गवर्नमेंट वेबसाइट के। दूसरी वेबसाइट पे अपनी ही साइट का लिंक दे सकते हो अगर आप उसके मेंबर हो उस एसोसिएशन के, यानी मैं रोटरी का मेंबर हूं तो रोटरी की साइट में मेरी वेबसाइट का लिंक आ सकता है, पर मेरी वेबसाइट में रोटरी का लिंक नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट्स कुछ भी नहीं ले सकते, ना ही पुश कर सकते, यानी अपने ऐड दूसरी जगह फेसबुक या किसी ही दूसरी साइट पर चला सकते। क्या सर फेसबुक पे एक पेज खोला जा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के द्वारा, पर्सनल लेवल पे खोल रहे हो चलेगा, प्रोफेशनल लेवल पे खोलोगे नहीं चलेगा, उसके ऊपर ये नियम लग जाएंगे। सर ये नियम कैसे लगाएंगे, दोस्त बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर इसके बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो नया कोड ऑफ एथिक्स बन रहा है उसके ऊपर पूरा एक अलग से कोड बन रहा है। आज के कोड में उसके बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है, यानी आज कोड हमारा उस मामले में डेफिशिएंट, प्रोविजंस वही लगेंगे नॉर्मल पब्लिसिटी और वेबसाइट।
अपनी वेबसाइट जब भी आप बनाओगे तो ध्यान रखें आईसीआई की वेबसाइट से उसका कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। लिख देना अपनी साइट में कब तक अपडेटेड है। जब भी साइट बनाओगे तो आपको इंस्टीट्यूट को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट हर फॉर्म से साल के अंत में एक कन्फर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर्स लेता है, जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ फॉर्म, जिसमें आपकी सारी डिटेल जो इंस्टीट्यूट के पास है आपको प्रिंटेड भेजता है और बोलता है कोई अपडेशन, चेंजेस, एडिशन है तो बता दो। वहां पर आप अपनी साइट का URL डाल दीजिए, आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी फॉर्म के नाम, उसके साथ में CA, इंडियन CA, ऐसा कुछ जोड़ मोड़ के बनना चाहिए। पार्टनर के नाम के एब्रिविएशंस यूज करके फॉर्म के नाम बनते हैं, वही नाम से आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए या उससे मिलता जुलता। यू कैन नॉट यूज एनी नेम लाइक CA like modi.com, इस तरह का कोई कॉमन नाम या इस तरह का कोई प्रमोशनली नाम यूज करना अलाउड नहीं है। लोगो वगैरह कुछ भी नहीं लगाए जा सकते हैं। एक फॉर्म अपना लोगो बना सकती है क्या? जरा भी नहीं। सिर्फ वो सीए का जो लोगो होता है पे टिक वाला, वो आप यूज कर सकते हो, फॉर्म के पर्सनल लोगो नहीं हो सकते। अगर आपने अर्नेस्ट यंग प्राइस वाटर हाउस के कभी लोगो देखे तो ये सब उनकी कंसल्टेंसी कंपनी के लोगो हैं, सीए फॉर्म का कभी कोई लोगो नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये चीजें दोस्तों सिर्फ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पर आ सकती है, यानी होम पेज पे नहीं होना चाहिए। कोई बटन दबाए आदमी देखना चाहे तो ही दिखे। क्या सर्विसेज जो हम देते हैं, किस तरह के असाइनमेंट हैंडल किए, जैसे सर्विस यानी वी प्रोवाइड सर्विसेज इन टैक्स, इनकम टैक्स, वी हैव हैंडल्ड असाइनमेंट्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, लिकर कंपनीज रिलेटिंग टू अपील्स एट ट्रिब्यूनल लेवल। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, वो पार्टनर किस में एक्सपर्टाइज करता है, एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज किस में, आर्टिकल्स कितने और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। फर्म का एस्टैब्लिश हुई है, होम पेज पे नहीं आना चाहिए, पुल रिक्वेस्ट में आना चाहिए। चलिए, सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग करा सकते हो, स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं, बेसिक लिस्टिंग, जहां पे आप सीए, इंडियन सीए, सीए इन आवर सिटी, इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्या मेरी वेबसाइट पे चैट रूम्स हो सकते हैं, जिसपे मैं क्लाइंट के साथ चैटिंग कर सकता हूं और सर्विसेज दे सकता हूं? वहां पर उसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। क्या एक सीए दूसरी वेबसाइट पर जाके कई बार सर्विस दे सकता है कि हाँ, पर उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं देना और सिर्फ सीए का नाम देना, वहां पर कहीं भी फर्म का नाम नहीं आना अगर कोई सीए थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके सर्विस देता है, जैसे कई सारी होती है टैक्स कंसल्टेंसी साइट्स वगैरह जहां पे सीए लोग आके अपनी सर्विसेज देते हैं। ये सारे प्रोविजंस आपके वेबसाइट से रिलेटेड। क्लॉज 6, क्लॉज 7 पे आ जाएं। क्लॉज 7 बेसिकली किसकी बात करता है? प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कहीं भी हाईलाइट करना या डेजिग्नेशन यूज करना। डेजिग्नेशन के वही प्रोविजन है जो हमने पढ़े थे सेक्शन 7 में। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करोगे, भूल के भी कोई भी दूसरी डेजिग्नेशन नहीं यूज करना। अगर आप MP हो, से पीयूष गोयल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब कभी वो CA इन प्रैक्टिस भी है, हालांकि अब प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत, अब पैसे मेहनत करके क्यों कमाना, पर हमने बोला नहीं प्रैक्टिस तो करेंगे क्योंकि हमको 10 आर्टिकल का वरदान मिलता है, तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो वो अपने विजिटिंग कार्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। कोई दूसरा डेजिग्नेशन अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 7, क्लास 7 दोनों में वही बातें की गई है, ठीक है। 14 फॉन्ट साइज वाला एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं राइटअप के थ्रू प्रिंट मीडिया में, वो अलाउड है, दैट इज समथिंग विच वी ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा टीवी, फिल्म, रेडियो, प्रेस में आप आ सकते हो, फॉर्म का नाम जरा भी नहीं देना। मैगजीन्स वगैरह में आपके आर्टिकल्स वगैरह छाप सकते हो, वो भी अपन ने पढ़ लिया। स्टाफ रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, वो भी अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। क्लाइंट के बिहाफ पे ऐड दे सकते हो, वो भी देख लिया। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको देख लेना चाहिए वो ये है कि अगर कोई सीए कभी अगर MP MLA बनता है तो पेपर में कई बार ऐड आते होता है ना, आप सीए MP बन गया या पार्षद का चुनाव जीत गया तो पेपर में ऐड आएगा, लख लख बधाई या पप्पू और मित्र मंडल की तरफ से सीए जैन भाई को पार्षद पद पर नियुक्त होते हुए देख हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है। इस तरह का अगर कोई पेपर में ऐड आया तो चलेगा, फर्म का नाम नहीं देना, काम नहीं मांगना, सीए रिलेटेड सर्विस की कोई बात मत करना। ये भाई सीए है ऐसा दे सकते हैं क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी एक गरिमा की बात है। इसी तरह से कोई एग्जाम क्लियर कर ली, कोई अचीवमेंट हो गया, वो सब दे सकते हैं। इनफैक्ट आपकी सीए फॉर्म में कोई आर्टिकल एम्प्लॉय का भी कोई एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो, वहां पे फॉर्म का नाम भी दे सकते हो क्योंकि ये खुद का नहीं है, अपने एम्प्लॉय का एडवर्टाइजमेंट है। फॉर्म का नाम नहीं आएगा तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं होगा, पर ध्यान रखना उसमें भी खुद की बड़ाई नहीं करना, उसकी करना है, वर्क सॉलिसिट नहीं करोगे। क्या एक सीए प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, क्लॉज 11 में अलाउ किया है कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। प्रोस्पेक्टस में फिर सीए की डिटेल्स जाएंगी तो वहां पे आपके
क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल अटेनमेंट्स यानी बड़ी बड़ी बात है कि इज एन एक्सपर्ट, सबसे पुराने सी हैं, इस तरह के अटेनमेंट्स हाईलाइट नहीं कर सकते और किसी भी तरह से वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकते. सेम प्रोविजन ध्यान रखना, ये सब आपको प्रोएक्टिव कंप्लायंस करना है. प्रोएक्टिव यानी कि आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी कंपनी जहां डायरेक्टर है उसे बोल दो कि भाई हम पर कोड लगता है, भूल के भी तुम गलती से भी कुछ भी ऐसा मत छाप देना जो कोड के अगेंस्ट हो. अगर ऐसा हुआ तो ये मत बोलना फिर बाद में, सपोज कंपनी ने छाप दिया तो सीए ये नहीं बोल सकता बाद में कि यार मैंने क्या किया, कंपनी ने छाप दिया, उसको नहीं छापना चाहिए था. आपको आगे रह के ध्यान रखना है कि कंपनी ऐसा ना करे, इंस्टीट्यूट तो आपके सामने तलवार लेके खड़ा होगा. राइट, ओके. सो द पॉइंट इज दैट डायरेक्टरशिप वगैरह किसी भी जगह प्रोफेशनल, दो पॉइंट याद रखना, दो वर्ड, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट नहीं करना, वर्क सॉलिसिट नहीं करना. इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या स्पॉन्सरशिप्स दे सकते हैं? हाँ, जब भी आप कोई गिफ्ट प्राइज स्पॉन्सर करते हो तो आप वहां पे फर्म का नाम लिख सकते हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के नाम के नीचे मत लिखना. तो लोगों को यह समझ में आएगा कि स्पॉन्सरशिप किसी फर्म ने दी है, पर वो फर्म लॉयर की है, सीए की है, डॉक्टर की है, ये समझ में नहीं आएगा. फर्म का नाम इसलिए अलाउ किया है क्योंकि स्पॉन्सरशिप कोई भी करता है तो ऑब्वियसली चाहेगा कि अपने फर्म का नाम है. ध्यान रखना यह स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट का जरिया नहीं है. ये नॉर्मली स्पॉन्सरशिप किसी ऐसा लिखा नहीं है, बट प्रोविजन का मतलब यह है कि इफ यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर एनी प्राइज एनीथिंग विच इज नॉट फॉर पब्लिसिटी बट टू सपोर्ट इन द सोसाइटी, देन इन दैट केस यू कैन डू इट, बट यू शुड नॉट गिव द चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन विथ योर फॉर्म नेम. फॉर्म नेम इज अलाउड. सिमिलरली आप कई बार देखते हैं कोई मूवी को ऑडिट करता है सीए, तो आपने देखा होगा कास्ट में सीए फॉर्म का नाम आता है. राइट, कभी आपने देखा होगा कि एनुअल रिपोर्ट्स होती है उसमें भी सीए फर्म का नाम आएगा ही एज एन ऑडिटर. इन सब जगह में आप ये ध्यान रखना कि जैसे नॉर्मली नाम आते हैं वैसे ही आए, वहां पे कोई नीडलेस पब्लिसिटी नहीं लेना. यानी ऐसा नहीं कि अपन ने रिलायंस का ऑडिट किया तो रिलायंस को बोला कि यार एक पन्ना हमारी फर्म का भी फोटो वोटो लेके लगा दो ना. किसी मूवी का ऑडिट किया तो हमने बोला यार एक बार कैमरा फर्म के सामने से घुमा लेना ना, आर्टिकल खड़े हो जाएंगे लोगों को, उनको भी लगेगा बोले यार चलो. ऐसी कोई हरकत अलाउ नहीं है. जो नॉर्मली जैसे आपका रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनाया उसमें जैसे आपका नाम आता है वैसे आना चाहिए. नो एक्स्ट्रा नीडलेस एडिशनल पब्लिसिटी. देन साइन बोर्ड आप यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के नहीं होना चाहिए. लोगो मैंने बता दिया आप नहीं कर सकते जरा भी स्पॉन्सरशिप. चलिए, तो ऑल दीज आर सर्टेन फैक्ट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. देयर इज एन एडिशनल स्पेसिफिक पॉइंट जिसके ऊपर प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था. क्या एक सी ए क्यूआर कोड्स के माध्यम से विजिटिंग कार्ड्स पे पब्लिसिटी कर सकता है क्या? क्यूआर कोड आपने देखे होंगे, आजकल कोड आते हैं जिसमें आप अगर क्लिक करो, जैसे ये फास्ट की अपनी बुक में देखेंगे यू विल फाइंड द कोड. आप क्यूआर कोड स्कैनर इस पे लगाओगे तो ये सीधे कोड आपको क्या करेगा, फास्ट की वेबसाइट पर ले जाएगा जहां से नोट्स डाउनलोड होते हैं. तो इसमें बोला गया है कि क्या मैं क्यूआर कोड्स यूज कर सकता हूं क्या? तो इन्होंने कहा है कि विजिटिंग कार्ड पे फोटोग्राफ यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्यूआर कोड की यूज करने की परमिशन क्या दी गई है? दी गई है. कैसे दी गई है? तो QR कोड से इंफॉर्मेशन वही निकलना चाहिए जो विजिटिंग कार्ड्स में देने की परमिशन है, यानी ऑफिस का नाम एड्रेस, उससे कोई दूसरी एडवर्टाइजमेंट पॉपअप नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज योर क्लॉज 5, 6 and 7. तो ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज 5, 6, 7 वर्क सिक्योर करने की क्लॉज. अब देखो क्लॉज याद करने का सिंपल तरीका, पहला तो आपने क्या बोला, किसी को रिप्रेजेंट करने का, अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस करने का पावर देना. 2, 3, 4 इजी हैं, याद हो गए. उसमें याद रखना पहले हम भारतीय देते हैं, उसकी बात करते हैं, फिर हमें कुछ मिलता है, फिर हम पार्टनरशिप में जाते हैं. 2, 3, 4 5, 6, 7 सिक्योर्स वर्क, 5, 6 क्या बात की, सॉलिसिट्स क्लाइंट और वर्क, 7 एडवर्टाइजर्स प्रोफेशनल अटेंडेंस. अब आप बताओ, ये सब आप ऐसे समझ लो कि ये सब करने के बाद अब आपके पास सपोज काम आ गया, तो काम आए तो ऐसा नहीं काम को अपन ने लपक लिया बोले आया आया, काम आने से पहले आपको एनओसी लेना पड़ती है. तो क्लॉज 8 इज एनओसी. और एनओसी लेने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस ऑडिटर का रिमूवल प्रॉपर हुआ या नहीं, तो वो है क्लॉज 9. और फिर बात आएगी ऑडिट एक्सेप्ट करते समय कि फीस कितनी होना चाहिए, तो कंटिंजेंट फीस मत लेना, वो है क्लॉज 10.
और जब आपके पास बहुत काम आएगा, बहुत पैसा आएगा, तो फिर आपके मन में इच्छा होगी चलो कुछ नया करते हैं। तो एक सीए क्या दूसरे काम कर सकता है? तो वो है क्लॉज 11, एंगेजेस इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द काउंसिल। और क्लॉज 12 आखिरी में तो साइन ही काम करती है। तो ऐसे अपने 12 क्लॉज याद हो जाएंगे अपने को। चलिए क्लॉज 8 पर आते हैं दोस्तों। क्लॉज 8 किसके बारे में बात करता है? एनओसी, बहुत ही बेसिक सा क्लॉज है, कब लगता है, क्विकली कवर करवा दूंगा। पहला, आप अगर ऑडिटर हैं, स्टैचुटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर या स्टॉक ऑडिटर या कोई भी प्रकार के ऑडिटर, अगर आप ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपसे पहले किसी सीए ने होल्ड करी थी, तो जब तक आप उससे राइटिंग में कम्युनिकेट ना कर लो तब तक आप ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस अप्लाइज टू ऑल ऑडिट्स, इवन बैंक ऑडिट्स, स्टॉक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, एनी ऑडिट। इट अप्लाइज व्हेन द पोजीशन व्हिच यू आर एक्सेप्टिंग वाज प्रीवियसली, प्रीवियसली मतलब नॉट प्रीवियस ईयर, एनी टाइम प्रीवियसली वाज हेल्ड बाय अनदर सीए और अ सीए फर्म। यानी एमबीए का कोई काम आपके पास आए तो ये प्रोविजन रिकमेंडेटरी है। आपको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है अगर किसी एक्ट में, तो फिर ये प्रोविजन रिकमेंडेटरी है। ऑडिटर अपॉइंट किया तो मैंडेटरी है। किससे कम्युनिकेट करना है? प्रीवियस ऑडिटर से। और जब तक वो कम्युनिकेशन ना हो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। तो पहली बात, कब कम्युनिकेट करना है? जब हमें ऑडिटर अपॉइंट किया है और ये पहले किसी और सीए के पास था काम। दूसरा, कैसे कम्युनिकेट करना है? राइटिंग में। ईमेल भी चलेगा क्या? वो भी रिटर्न फॉर्म है, प्रोवाइडेड वो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो, ईमेल आईडी का कंफर्मेशन हो, पब्लिकली प्राइवेट की का मैकेनिज्म यूज किया गया, यानी सिक्योर्ड होना चाहिए। और उसमें फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? तो इंस्टीट्यूट कहता है राइटिंग कम्युनिकेशन में आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी आना अनिवार्य है। यानी अगर आप पोस्टकार्ड भेजोगे तो नहीं चलेगा, लेटर भेजोगे तो नहीं चलेगा। स्पीड पोस्ट में अगर आपने पीओडी मंगाई है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो चलेगा। कुरियर भेजोगे चलेगा, या फिर आप हैंड डिलीवरी करो, पर्सनली दो। तो ईमेल में आपके पास अगर कंफर्मेशन में रिटर्न रिसिप्ट आती है तो ही चलेगा। एक्सक्यूज मी, नॉट अदरवाइज। आपको कम्युनिकेट कब करना है? ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं बचा ऑडिट एक्सेप्ट करना है, कम्युनिकेशन के लिए रुकेंगे तो ऑडिट का समय ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, क्लाइंट को बोल दो कि भाई रिपोर्ट तब तक नहीं दूंगा जब तक एनओसी नहीं मिलेगी, काम कर लूंगा, फीस ले लूंगा, रिपोर्ट तभी मिलेगी जब एनओसी आएगी। रिपोर्ट आप नहीं दे सकते जब तक आपके पास कम्युनिकेशन का रिप्लाई ना। अब आपने प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्ड करे। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक्सेप्ट क्लॉज 9 में ये जरूर कहा है कि आपको ये चेक करना है कि उसका रिमूवल सही हुआ था और आपका अपॉइंटमेंट सही हुआ था, जिसके लिए आपने कंपनी ऑडिट में पढ़ा होगा कि वेन यू हैव टू रिमूव एन ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर शुड बी एज पर सेक्शन 140 एंड योर अपॉइंटमेंट शुड बी एज पर सेक्शन 139। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी जिम्मेदारी कुछ भी पूछने की उससे, इनफैक्ट उससे सिर्फ कम्युनिकेट करने की है, रिप्लाई देता है नहीं उसकी प्रॉब्लम। अब उसका रिप्लाई आया तो किस रिप्लाई में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ए, अगर वो कहता है मेरी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है तो। बी, अगर वो कहता है मेरा रिमूवल प्रॉपर नहीं हुआ था तो। सी, अगर वो कहता है कि मुझे इसलिए हटाया था क्योंकि मैंने कोई फ्रॉड ढूंढ लिए थे इसलिए मुझे हटा के आपको अपॉइंट किया है, तो फिर आप देखिए आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है आप लेना चाहते हैं या नहीं। डी, अगर वो बोलता है तुम्हें मुझसे कम फीस पे अपॉइंट किया है, अंडर कटिंग हुई है, तुम नहीं कर सकते ऑडिट एक्सेप्ट, तो ऐसा नहीं है, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, अंडर कटिंग इज परमिटेड। वो बात है, एथिकल हो तो अच्छा है, बाकी आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला, अगर वो कहता है मेरी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है तो क्या होगा? आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस वो ऑडिट फीस है जो स्टैचुटरी ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड फॉर करी और साइन किया। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी सिक कंपनी है, सिक कंपनी की डिफिनेशन है जिसकी लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है, तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। यानी नया ऑडिटर ऑडिट फीस अनडिस्प्यूटेड पे नहीं होने पे भी नई कंपनी, सॉरी नया ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि कंपनी की स्थिति गई हुई है।
सेकंड अगर उसने बोल दिया भाई कि मेरा अनएथिकल रिमूवल हुआ है, भूल जाओ, ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। थर्ड उसने बोला फ्रॉड के कारण हटाया था, आप तुम्हारी इच्छा, तो आपकी इच्छा आप देख लो। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे डाउट है, केवाईसी छोड़ दो, आपको लगता है नहीं प्रीवियस ऑडिटर बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, एक्सेप्ट कर लो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोविजन सिर्फ कहता है यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, अपन आम भाषा में उसको NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हालांकि आपको सिर्फ उससे कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी है। क्लॉज 9 मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 140 क्लॉज 9 में लिखा है यू हैव टू इंश्योर कंप्लायंस विद सेक्शन 140, पर इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 139 भी चेक करना पड़ेगा। ये पूरा आपका कंपनी ऑडिट का कवरेज हो गया। और फिर आते हैं अपन क्लॉज 10 कंटिंजेंट फीस। क्लॉज 10 कहता है कि इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्जेस और ऑफर्स टू चार्ज एक्सेप्ट और ऑफर्स टू एक्सेप्ट In respect of his professional employment, any fees which is contingent on findings of such employment or is based on a percentage of variable factors, then he'll be guilty unless it is permitted by any regulation. तो क्लॉज क्या कहता है? प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने कोई फीस ली है विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स और एनी वेरिएबल फैक्टर और कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट Unless it is permitted by any regulation. पहली बात, आपकी फीस फिक्स होना चाहिए। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपका केस लिया, मैंने बोला केस जीते तो 10,000 नहीं तो 5,000, गलत है। मैंने बोला आपकी फीस जो मैं ले रहा हूं ना आपसे वो आपके टर्नओवर का 1% है, गलत है। प्रॉफिट्स का 2% है, गलत है। ऐसा होगा तो आप प्रमोट होगे, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी, क्योंकि आप चाहोगे कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है ताकि आपकी फीस ज्यादा हो। तो परसेंटेज नहीं होना प्रॉफिट टर्नओवर किसी भी चीज का। इट शुड नॉट बी कंटिंजेंट ऑन फाइंडिंग्स, कि अपना परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो भी नहीं होना। जान के आपको बहुत खुशी होगी कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करते ना सीए लोग, उन्हें बोलते 1% ऑफ लोन सैंक्शन विल बी द फीस। चलेगा क्या उसमें? आप बताओ, मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई और लोन सैंक्शन करवाया पर लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो कितनी फीस लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते। ये चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया ये सब गलत है। इस तरह की कंटिंजेंट फीस लेना अलाउड नहीं है। प्रोजेक्ट फाइनेंस में आपकी फीस ऐसी होना चाहिए कि भाई हम आपके लिए कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, CMA डेटा बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आपको। लोन मिलता है या नहीं है आपकी काबिलियत पर डिपेंडेंट है, हम इसकी फिक्स 1,00,000 रुपए फीस चार्ज करेंगे, 2,00,000, 5,00,000 जो भी है। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज लोन मिला तो फीस चार्ज करूंगा, ये गलत है। इसमें अमेंडमेंट हुआ था रिसेंटली और उसमें कुछ चीजों को अलाउ किया था जिसमें फंड रेजिंग एक्टिविटीज में आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, पर इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है प्रोजेक्ट फाइनेंस इज नॉट फंड रेजिंग। फंड रेजिंग शब्द तो नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? कोई सोशल एक्टिविटी इस तरह के कॉज के लिए अपन फंड रेजिंग करते हैं, उसमें आप फीस परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करो तो वो अमेंडमेंट में अलाउ किया गया। इसके अलावा प्लेसमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करना अलाउड है। लिक्विडेटर परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है अगर आप वैल्यूअर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो, यानी आपको सरकार ने अपॉइंट किया है कि भाई वैल्यू करो कि इस ट्रांजैक्शन में इनकम कितनी हुई और उसके ऊपर आपको फीस दी जाएगी तो चलेगा। तो लिक्विडेटर वैल्यूअर ऑफ टैक्सेस दे कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस। प्लेसमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में चार्ज कर सकते हो, फंड रेजिंग सर्विसेज में परसेंटेज बेसिस पे चीज चार्ज कर सकते हो। कोई भी कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी फीस डिसाइड करती है, जैसे RBI बैंक्स में डिसाइड करती है कि आपकी फीस एडवांसेस पर डिपेंडेंट रहेगी, वो भी चलेगा। इसी तरह से कोई कोर्ट में या किसी लॉ में फीस परसेंटेज बेसिस पे डिफाइन होती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है जो फीस होती है दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल और फंड्स एम्प्लॉयड, लॉ में दिया हुआ है तो वो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लॉज। और फिर क्लॉज 11 आता है। क्लॉज 11 बोलता है यू शुड नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द काउंसिल। However, nothing will prohibit you to accept non-executive directorship of a company provided you or your partner is not interested as an auditor.
पहली बात कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं करना जब तक इंस्टीट्यूट की परमिशन ना हो, दूसरी बात नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर आप या आपका कोई भी पार्टनर उसमें ऑडिटर के रूप में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ शब्द ऑडिटर है ना कि स्टैचुटरी ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर भी हुए तो आप डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं करोगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की परमिशन है, दूसरी कोई डायरेक्टरशिप के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना होगी। तब इंस्टीट्यूट ने कहा कोई भी बिजनेस और ऑक्यूपेशन करना है तो आपको काउंसिल की परमिशन चाहिए, नहीं ली परमिशन तो गिल्टी मान लेंगे। तो सबसे पहली बात, क्लॉज अप्लाइज ओनली टू बिजनेस और ऑक्यूपेशन। आप कोई हॉबी परस्यू करते हो, जिम करते हो आप, क्रिकेट खेलते हो आप, रोडीज में चले गए, ये सब चलेगा, इसमें परमिशन नहीं लेना। पर क्रिकेटर बनना है, एज अ प्रोफेशनल खेलना है, का म्यूजिशियन बनना है, एज अ प्रोफेशनल परफॉर्म करना है, तो फिर परमिशन लेना है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन। बिजनेस और ऑक्यूपेशन के लिए परमिशन लेना पड़ेगी तो क्या इंस्टीट्यूट परमिशन देगा? तो कुछ चीजों के लिए इंस्टीट्यूट ने जनरल परमिशन दे दी है और कुछ चीजों के लिए कहा है कि आप मांगना इच्छा होगी तो देंगे। जनरल परमिशन में क्या क्या आता है? अगर आप सीए फॉर्म में जॉब करना चाहते हो, जनरल परमिशन है। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग देना चाहते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना नहीं, वो बिजनेस हो गया। प्राइवेट ट्यूशन यानी एज अ विजिटिंग फैकल्टी, एज अ पर्सन यू गो टू इंस्टीट्यूट टीच एंड कम एंड यू डू नॉट टीच मोर देन 25 आवर्स इन अ वीक, ये भी चलेगा। एग्रीकल्चर लैंड ओन करना और एग्रीकल्चर एक्टिविटी उस पर करना खुद से या हायर्ड लेबर से चलेगा। लॉस सर्वेयर बन गए इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के लिए, यह भी चलेगा। जस्टिस ऑफ पीस, नोटरी पब्लिक बन गई, ये भी चलेगा, नोटरी का काम भी कर सकते हो। एडिटर ऑफ प्रोफेशनल जर्नल बन सकते हो, बुक्स बुक्स लिख सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो, पब्लिशर नहीं बन सकते। आर्टिकल बुक्स लिखिए, उसके पैसे मिले, चलेगा। एग्जामिनर, कॉपी चेकर, इवेल्युएटर, ये सब भी बन सकते हो। इन सब में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिना परमिशन के ये काम कर लो और बताने तक की जरूरत नहीं। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोई ऑनररी पोजीशन है, ऑनररी मतलब नॉट फॉर एनी सैलरी और रेम्यूनरेशन, दैट आल्सो यू कैन एक्सेप्ट। लेकिन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट अगर आपको लेना है, यानी कि शेयर लेना है, तो फिर स्पेशल परमिशन। तो स्पेशल परमिशन किस में लगती है? अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर बनना है किसी भी बिजनेस कंसर्न में, या एम्प्लॉई बनना है किसी भी पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस कंसर्न में, तो आप स्पेशल परमिशन लेना, प्रोवाइडेड आप या आपके रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ना हो। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मींस 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयर। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हुआ तो परमिशन मत मांगना, नहीं मिलेगी। हाँ, अगर नॉन बिजनेस कंसर्न में आपको पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप परमिशन मांग लेना, फिर भले ही आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो या ना हो। फैमिली बिजनेस कंसर्न में अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट चाहिए तो यू विल हैव टू ऑब्टेन स्पेशल परमिशन फर्स्ट। सिमिलरली कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट लेना है, यानी ओनरशिप, तो भी परमिशन। आईसीआई की कोचिंग में पार्ट टाइम कोचिंग करने के लिए जनरल परमिशन है, लेकिन किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। प्राइवेट ट्यूशंस के लिए जनरल परमिशन। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज आप करते हो, जैसे आप एचयूएफ में कर्ता बन गए तो ये भी एक तरह से बिजनेस ऑक्यूपेशन हो गया आपके लिए, तो भी स्पेशल परमिशन लगेगी। और दोस्तों, जब जब स्पेशल परमिशन लगती है उन सारे केस में, प्लस अगर आप सीए या सीए फर्म के अंडर में जॉब करते हो भली जनरल परमिशन के साथ इस केस में, प्लस अगर आप प्राइवेट ट्यूशन या पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और आपकी एक हफ्ते में 25 घंटे से ज्यादा की टीचिंग आवर्स है, इन केसेस में परमिशन मिल भी गई तो आपके अटेस्टेशन फंक्शंस छीन लेंगे। अटेस्टेशन फंक्शंस छीनने का मतलब आप वो काम नहीं कर पाओगे जो एक्सक्लूसिवली एक सीए कर सकता है, जैसे कि सारे स्टैचुटरी ऑडिट, बैंक ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सब आर्टिकल्स रखना, ये सारे पावर्स आपके खत्म। तो सर फिर क्या करेंगे मेंबरशिप रख के? बस वही, अब आप सीए हो और कोई भी सीए वाला काम करते हो तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो तो सीओपी तो रखना ही पड़ेगी आपको, पर आपके अटेस्टेशन फंक्शंस खत्म। यानी दूसरे काम की परमिशन मिल भी जाती है तो भी आपको हैंडीकैप कर देते हैं, जो सीए वाले काम है वो सब तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जनरल और स्पेशल परमिशन के हमारे क्लॉज है। और
इसके बाद में फिर आखिरी आपका आता है क्लास 12 में, जब आपकी अटेस्टेशन पावर चली जाती है, तो उसे पार्ट टाइम प्रैक्टिस पॉपुलरली कहा जाता है, हालांकि एक्ट में ऐसा लिखा नहीं है। क्लास 12 सिग्नेचर के ऊपर है, इफ यू अलाउज एनी अदर पर्सन टू साइन रिपोर्ट्स, ये क्या बोलता है, अलाउज एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर और बीइंग अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर, यानी सिर्फ कौन कर सकता है आपके बिहाफ पे साइन, जो मेंबर भी और पार्टनर भी है। तो अगर आपने सीएस के साथ पार्टनरशिप करी तो आप उसको अपने बिहाफ पे साइन करने को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पार्टनर है, मेंबर नहीं है। तो पार्टनर भी होना, मेंबर इन प्रैक्टिस भी होना, मेंबर इन प्रैक्टिस ही पार्टनर बनता है, वो आपके बिहाफ पे साइन करेगा तो चलेगा, नहीं तो आपको करना है किस पे, बैलेंस शीट पी एंड एल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स, जो भी आप रिपोर्ट्स इश्यू करते हैं इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स, क्वेरी शीट है, आपस की पत्र व्यवहार है, प्लानिंग का कोई अपन ने एक ऑडिट प्लान का लेटर बनाया है, ये सब करेस्पॉन्डेंस कोई भी डिस्कस कर ले, पर वो रिपोर्ट्स जो अल्टीमेटली मैनेजमेंट जिस पे रिलाई करता है या थर्ड पार्टी रिलाई करती है, वो सिर्फ सीए ही साइन करेगा। सीए अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देके अपने साइनिंग पावर वगैरह किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, ये सब अलाउड नहीं है। ये दोस्तों आपका क्या कवर हो जाता है, दिस वॉज शेड्यूल वन पार्ट वन, द लेंथीएस्ट ऑफ द शेड्यूल एंड द पार्ट, एंड शेड्यूल वन में अब तीन पार्ट्स और हैं, वी विल कम टू दीज पर्टिकुलर पार्ट्स एंड दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल डिस्कशंस, व्हाट आर दीज पर्टिकुलर पार्ट्स रिलेटिंग टू। तो शेड्यूल वन का पार्ट टू आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर सीए इन सर्विस, है ना, उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ दो क्लॉज है, पहला क्लॉज क्लॉज टू जैसा है पेस, दूसरा क्लॉज क्लॉज थ्री जैसा है एक्सेप्ट, खत्म। याद भी रखने का तरीका सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, पहले अपन देने की बात करते हैं फिर लेने की, पेज और एक्सेप्ट। क्या बोला है, अगर आप सी एन सर्विस हो और अगर आप अपने एम्यूलमेंट्स में से, एम्यूलमेंट यानी सैलरी में से, इफ यू पे और अलाउड टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर इन एम्यूलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम टू एनी पर्सन, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं कि मेंबर मेंबर के साथ शेयर कर ले। तो जॉब लेने के लिए सपोज आपने किसी कंसल्टेंट को बोला कि मैं सैलरी का इतना परसेंट तुझे दे दूंगा अगर जॉब दिलाती, तो प्रमोशन लेने के लिए बॉस को बोला, तो अपनी सैलरी का शेयर किसी के साथ भी शेयर करोगे तो गिल्टी है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सिमिलरली आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपने क्या किया, जहां जॉब कर रहे हो आपने अपने एम्प्लॉयर के एजेंट, कस्टमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, लॉयर, किसी से भी उसकी फीस में शेयर मांगा, तो जैसे मैंने बोला तुझे काम दिला दूंगा प्रोवाइडेड तू बता तू कि मुझे क्या देगा, आपने बोला 40%, आपका एग्जांपल लिया था ना, मैं गिल्टी हो जाऊंगा क्योंकि मैं सी एन सर्विस हूं, तो मैं सीए से भी शेयर इन फीस नहीं ले सकता, तो कंपनी का सीए, कस्टमर, लॉयर, कंसल्टेंट, किसी से भी। तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी में सीए बन गए और आपके हाथ में ही सारी परचेजिंग है, तो आप किसी का भी माल अगर बोलते हो तेरा एम्पैनलमेंट कराना है तो फीस दे, आपको यहां पे इस क्लॉज में गिल्टी मान लेंगे। एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट्स, गेन ऑफ लॉयर, सीए, ब्रोकर ऑफ द एम्प्लॉयर और एजेंट, कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉयर, यू विल बी गिल्टी। ध्यान रखना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, कमीशन रुपीज में या ग्रेटिफिकेशन गिफ्ट के माध्यम से, मैंने बोला काम तुझे दिलवा दूंगा बाकी बर्थडे आ रहा है भाभी जी का तेरी, ध्यान रखना हीरो का हार पसंद है उनको, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए शेड्यूल वन पार्ट थ्री पे आ जाए, पार्ट थ्री किस पे लगता है, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स का कौन सा मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तीन क्लॉज है इसमें, बहुत सिंपल है, पहला क्लॉज बोलता है अगर आप फेलो नहीं हो और अपने आप को फेलो बनाते हो बताते हो, ध्यान रखना सेक्शन 24 ऑफ सीए एक्ट में हमने पढ़ा था, सीए नहीं है सीए बताता है, सीएन प्रैक्टिस नहीं है सीएन प्रैक्टिस बताता है, तब मैंने बताया था फेलो नहीं हो और फेलो बताते हो तो वो क्लॉज नहीं लगेगा, ये लगेगा, वो सेक्शन नहीं लगेगा, ये लगेगा। फेलो नहीं हो अपने आप को फेलो बताते हो गिल्टी, राइट। देन क्लॉज टू बोलता है डज नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन और कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट और बॉडीज ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इंस्पेक्टर, ये सब किसी की भी। तो देखो सिंपल है, क्लॉज टू में दो चीजें, ए डज नॉट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, क्लॉज टू में दो चीजें प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज कंप्लाइज विथ रिक्वायरमेंट।
तो इन्फो इंस्टीट्यूट ने सपोज किसी सीए को एक लेटर भेजा कि यार तुम्हारे आर्टिकल कितने हैं और क्या क्या टाइम पर ऑफिस आते हैं भेजो, और मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं गिल्टी। इंस्टीट्यूट ने एक रिक्वायरमेंट दे रखी कि आर्टिकल को आपको 6 घंटे तक ट्रेनिंग देना है और इस सीए से रिलेटेड काम कराना है और आपको उसका ट्रैक रखना है, और आपने ट्रैकिंग नहीं रखी उसके ऊपर प्रॉपर, और वो बढ़िया इधर उधर घूम फिर रहा है, तो भी आपको इस क्लॉज में गिल्टी मानेंगे बिकॉज यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट। इंस्टीट्यूट ने बोला बताओ तुम्हारा आर्टिकल कब आता है कब जाता है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी और गलत कि 11 से 6, जबकि वो तो आता ही नहीं है, डमी है। इंस्टीट्यूट ने मुझे गिल्टी मान लिया। मैंने बोला क्यों, उसने बोला कि हमने तुमको पूछा था तुमने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। हमने बोला दी तो सही, उन्होंने बोला गलत दी, हमने बोला पर दी ना। इंस्टीट्यूट ने बोला बात तो सही है। ध्यान रखना दोस्त, Schedule 1, Part 3, Clause 2 says does not provides information or complies with requirement. If you provide information to the institute but you provide wrong information, तो फिर वो यहां कवर नहीं होगा। तो सर बच गए, बचे नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये Schedule 2 के Part 2 के Clause 3 में कवर होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यहां पर, गलत दी तो Schedule 2 में, इट्स इवन अ मोर सिवियर मिसकंडक्ट। एंड देन Schedule 1, Part 3 का Clause 3 कहता है कि अगर आपने नोइंगली गलत इंफॉर्मेशन दी है, एक मिनट सर, अभी तो आपने बोला नोइंगली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर Schedule 2 में गिल्टी होता है। Schedule 2, Part 2, Clause 3 में बोला है ICI को जान करके गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो गिल्टी है। Schedule 1, Part 3 के Clause 3 में कहा है टेंडर्स अप्लाई करने की परमिशन दी है आपको, एडवर्टाइजमेंट राइटअप के माध्यम से वो 14 फॉन्ट साइज वाले की परमिशन दी है, और प्रोफेशनल कोलीग से काम मांगने की परमिशन दी है। ये 3 जगह अगर आपने जानकर गलत इंफॉर्मेशन दी तो आपको यहां गिल्टी होल्ड करेंगे। यानी आपने काम मांगने के लिए टेंडर्स में, एडवर्टाइजमेंट में या प्रोफेशनल कलीग को नोइंग टू बी फॉल्स जान करके गलत इंफॉर्मेशन दिए तो फिर आपको यहां गिल्टी होल्ड करेंगे। यानी दोस्तों समझ में आया, Schedule 1 के Part 3 के Clause 3 में 3 चीजें, नोइंगली यू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इन एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोफेशनल कलीग्स, टेंडर्स, और क्लॉज 2 में 2 चीजें थी, डज नॉट कंप्लाइज विद रिक्वायरमेंट और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। पर क्लॉज 2 किसके लिए, ICI के लिए। ICI को नोइंग टू बी फॉल्स गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो Schedule 2, Part 2, Clause 3 जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। और इसके बाद आखिरी में आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट में 2 चीजें हैं। सबसे पहला, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको 6 महीने तक के लिए अंदर भेजा है, Up to 6 months, गिल्टी, इस क्लास में गिल्टी। और हमने कोई काम ऐसा किया जिसके लिए अंदर तो नहीं गए पर काम बहुत खराब था, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन डैमेज हो गई, हो सकता है, समझता है आप, भाई आपने कोई चोरी वोरी कर ली है, ऐसा कुछ भी हो गया जिससे रेपुटेशन इंस्टीट्यूट की खराब हो गई, तो इंस्टीट्यूट ने एक जनरल क्लॉज बनाया जिससे वो आपके हर तरह के गलत काम के लिए आपको पकड़ सकता है। चेक बाउंस हो गया आपका, लोन लिया रीपे नहीं किया, भाग के लंदन में सेटल हो गए, कुछ भी ऐसी चीज है, रेपुटेशन खराब होती है, तो जनरल क्लॉज बनाए। और बढ़िया क्लॉज है, पढ़िए क्या बोलता है। इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट, आगे का क्लॉज इंपॉर्टेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। मतलब समझे दोस्त, इंपॉर्टेंट चीज है, आखिरी में ये नहीं लिखा है अनरिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क, क्या लिखा है, वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने जो शुरू में बताया था, अदर मिसकंडक्ट हो सकता है प्रोफेशनल नेचर का हो, कब, जब वो स्पेसिफिकली किसी भी क्लॉज में कवर नहीं हो रहा है। तो वेदर और नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल वर्क, whether or not related to your professional work, if you do anything which brings disrepute to the institute or profession, then institute can take action. पर ये schedule 1 के part 4 के clause 2 में आएगा, ये आखिरी clause है, और इससे clause आखिरी होना चाहिए क्योंकि ये residuary clause है। तो इसके साथ हमारा schedule 1 का part 1, part 2, part 3, part 4 सब cover।
सारे क्लॉज मेरे हिसाब से याद भी हो गए होंगे. दोस्तों आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज जो निमोनिक्स पर ज्यादा बिलीव करता है, क्योंकि मेरा मानना है निमोनिक्स के थ्रू चीजों को याद कराने में स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ याद करने पर हो जाता है और कुछ नहीं बचता है. ही मिसेस द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट. आप चीजों को इस गहराई से पढ़िए कि आप कभी भूल ही नहीं पाओ क्लॉज. ट्रिक्स हमेशा काम आती है, वो मैंने आपको बता दी. शेड्यूल वन पार्ट वन ट्रिक क्लॉजेस की. पहला क्लॉज अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम अनलेस दैट पर्सन इज अ सीए इन प्रैक्टिस एंड हिज पार्टनर और एम्प्लॉय. तो अलाउज अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम, अलग ही क्लॉज. दो तीन चार पेज एक्सेप्ट पार्टनरशिप्स. पांच छह सात सिक्योर्स वर्क, सॉलिसिट्स क्लाइंट और वर्क, एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स. काम मांगना, मैंने बोला था काम मांगोगे तो खूब सारा मिल जाएगा. तो फिर क्लास सेवन पर आ गए थे. सेवन क्या था, फाइव सिक्स सेवन हो गया, एट पर आ गए थे. काम मिले तो लपक नहीं लेना, प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना, एनओसी. नाइन ये भी ध्यान रखना कि सेक्शन 140 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं. टेन काम मिल गया है तो कंटिजेंट फीस मत ले लेना. और 11 खूब काम मिल जाए तो दूसरे काम करने की इच्छा हो तो दूसरे काम में एंगेज मत होना जब तक इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करे. और आखिरी तो साइन ही होता है. शेड्यूल वन पार्ट टू सी एन सर्विस, दो ही क्लॉज थे जो टू और थ्री से रिलेटेड थे. पेस शेयर इन एम्यूलमेंट्स एक्सेप्ट एनी बडीज एम्प्लॉयर के एजेंट कस्टमर चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर या किसी भी व्यक्ति की फीस में शेयर. पार्ट थ्री में तीन क्लॉज, पहला फेलो वाला, दूसरे में दो पॉइंट थे कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट और डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आईसीआई और इट्स बॉडीज. तीन में तीन पॉइंट थे नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन टू इन टेंडर्स अप्लाइंग टू प्रोफेशनल कोलीग्स फॉर वर्क एंड एडवर्टाइजमेंट्स 14 पॉइंट साइज. और पार्ट फोर में दो चीजें, छह महीने तक की सजा. छह महीने से ज्यादा वाला गुनाह सीरियस हो जाएगा तो फिर वो किस में जाना चाहिए, लॉजिकली शेड्यूल टू में. और आखिरी रेसिड्यूरी क्लॉज, क्लॉज टू एनी एक्ट विच यू हैव डन विच कैन ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द इंस्टीट्यूट और प्रोफेशन वेदर और नॉट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी. प्रोफेशनल कैपेसिटी का भी हो सकता है अदर्स. ये दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा कोड ऑफ एथिक्स का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पूरे शुरू के सेक्शंस और शेड्यूल वन जो मेजर पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाता है. नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद शेड्यूल टू पॉइंट्स, कौन से जनरल गाइडलाइंस एंड सम मिसलेनियस इश्यूज. पार्ट टू में इसको कवर कर लेंगे. आई थिंक दिस रिविजन लेक्चर इफ यू कैन सी एंड मेमोराइज दीज थिंग्स वेरी वेल, आई थिंक एग्जाम में सारे तरह के जितने क्वेश्चन आए वो सब हमारे कवर होते हैं इसमें. आप ये पर्टिकुलर रिविजन लेक्चर एग्जाम से एक दिन पहले भी देख सकते हैं. नवंबर 2017 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि ऑडिट के पेपर में दो छुट्टियां हैं, इसलिए आपके पास एडिट एडवांटेज है. आप इस रिविजन लेक्चर को जब आप अपना SFM का पेपर देके आओगे और आने के बाद आपकी सोने की इच्छा होगी, ये वाला लेक्चर दे दो. इससे दो फायदे, पूरा कोड ऑफ एथिक्स एक बार में रिवाइज भी हो जाएगा और नींद भी गहरी आएगी. Thank you very much for watching. I'll come back with the second revision lecture and please give your feedbacks in the comments folder. There is a scroll which has my number and all the information. We'll be very happy to have your feedback. It is really, really motivating to hear from you guys and it is also very motivating to get your suggestions so that we can further improvise. Thank you very much for listening. Sarthak Jain signing off.